सभी दोस्तों का नमस्कार आप सबका वेलकम है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर मैं ललित यादव अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में आप सबका वेलकम करता हूं आज की क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आज की क्लास में हम भारत की आज़ादी से लेकर के वर्तमान समय तक हमारी विदेश नीति में जिस जिस तरीके के परिवर्तन हुए और जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार सी क्लास आप सबके सामने होने वाली है तो मैं चाहता हूं आप सब लोग एंड तक बने रहिए आज की इस क्लास को देखने के बाद आज़ादी के बाद से वर्तमान समय तक की विदेश नीति की सारी की सारी जो आप समस्याएं थे उनको जान जाएंगे जितनी क्रियाविधियां थी उनको जान जाएंगे जितने अचीवमेंट्स हैं हमारी उपलब्धियां हैं उनको जान जाएंगे समस्याओं के जो क्षेत्र हैं उनका किस तरीके से समाधान किया उन सबको हम जान जाएंगे और साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत का जो कद लगातार बढ़ता चला गया उसको भी हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जो नए दोस्त हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते मैं मेरा नाम बता देता हूं मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एम किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से दोनों में ही मैं जे आर एफ हूँ गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं यानी अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजिशन पर हूं एम फिल भी किया है उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बी एड किया है है प, आ, जे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस दोनों से ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और भी बहुत सारी चीजें हैं आप जान जाओगे अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी फ्री पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी फ्री पीडीएफ मिलेंगी टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला बाकी मेरी टीम की डिटेल भी मिलेंगी मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर नंबर है उसके माध्यम से सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग गाइडेंस के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं बाकी जो लोग सीरियसली एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं वो तो चाहते हैं भैया हमारा एक बढ़िया रैंक आए अच्छा रैंक आए तो आप अन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम टॉपर्स जो हैं अन अकेडमी से ही निकले हैं पिछले दो तीन साल के अंदर उनमें से आप भी एक हो सकते हैं उसके लिए करना क्या है आपको अन एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें अपना जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा हम सभी टीचर्स एक साथ मिलकर के आप सबके लिए क्लासेज लाते हैं मैं भी उनमें से एक हूं बेनिफिट यह होता है कि एक ही सब्सक्रिप्शन से एक ही एडमिशन से आपको सब टीचर्स की क्लास मिल जाती है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लास मिल जाती है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके की क्लासेज आपके लिए अवेलेबल हो जाती है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आइकोनिक थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है तो आइकोनिक कोर्स में ट्राई करना इससे बेस्ट कोर्स कोई नहीं है क्योंकि इसमें आपको एक तो बुक्स मिल जाती है सारे की सारी अपडेटेड लेटेस्ट नोट्स तो आपको कहीं से कुछ खरीदना नहीं आप क्लास में डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं वन ऑन वन बोल करके सवाल जवाब कर सकते हैं सबसे बढ़िया चीज यही है क्योंकि डाउट ऐसे ही क्लियर होते हैं और मेंस की आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर आपकी कराई जाती है ताकि आप की आंसर राइटिंग की स्किल बहुत इंप्रूव हो जाए क्योंकि सारा का सारा सिलेक्शन मेंस पर ही होना है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरी रहेगी पर्सनल गाइडेंस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम ये एल वाई एल आई वी ई ये कोड अगर आप अप्लाई करते ना एल तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा फीस में डिस्काउंट तो हर किसी को चाहिए तो जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो डिस्काउंट जो भी ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको इस कोड से मिल जाएगा कोड का नाम है एल वाई एल आई वीई फिर से फाइनेंशियल -E. प्रॉब्लम होती है वो एक बार में कोर्स की पेमेंट नहीं कर पाते हैं. तो आप ई पर भी कोर्स ले सकते हैं उसमें मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूं कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे ना एडमिशन लेंगे तो आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो मैं भरवा दूंगा अपनी गारंटी पर अपनी स्योरिटी पर एजुकेशन लोन के माध्यम से आपकी पूरी फीस अन पर मैं सबमिट करवा दूंगा आपको शुरुआत में पूरी फीस देने की जरूरत नहीं है उसको एजुकेशन लोन बोलते हैं वो गारंटी उसकी मैं दूंगा आपको ठीक है मेरी गारंटी पर मेरी सियोरिटी पर मेरी पहचान पर आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा यानी कि आपकी पूरी की पूरी फीस भर दी जाएगी अब जो फीस भरी गई है ना वो आपको महीना महीना करके लौटानी पड़ेगी और उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है कोई हिडन चार्ज नहीं है कोई ब्याज नहीं लगता इंटरेस्ट नहीं लगता है उसके ऊपर चीज ध्यान रखना तो ये हेल्प अगर आप मेरे से चाहते हैं तो ये मैं कर सकता हूं आप सबके लिए गारंटी मैं करूंगा लूंगा आपकी चाहे आपके पास कुछ भी ना हो तो भी गारंटी मैं लूंगा आप बस मेरी टीम से कीजिए ज्यादा डिटेल के लिए टेलीग्राम चैनल पर टीम का नंबर है उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए वो आपको पूरी हेल्प करेंगे हर तरीके से कोड याद रखिएगा ये रेफरल कोड लगाना है डिस्काउंट के लिए गाइडेंस के लिए एल वाई एल आई वीई जब भी ज्वाइन करें कोर्स अनअकैडमी का कोड में यही लगाना है एलवाई लाइव इससे आपको पर्सनल गाइडेंस और डिस्काउंट दोनों मिल जाएंगे हर महीने हर हफ्ते नया कोर्स होता है आप सारी क्लासेस आपको मिलेंगे तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदेश नीति को और भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक विकास को देखने से पहले एक बार आप सबसे हाउस द जोश जरा हो जाए हाउस द जोश जोश कैसे भाई मेरे दोस्तों सबका एक बार आंसर आना चाहिए हाई सर एक हाई सर के साथ एक हाई जोश के साथ सब लोग आइए फिर स्टार्ट करते हैं और एक बार अब रिदम के साथ चलेंगे नॉन स्टॉप लंबी क्लास रहेगी एकदम बहुत ही चीजों को कड़ियों से कड़ी जोड़ते हुए चीजों को एक साथ मिलाते हुए आपको मैं लेकर के चलूंगा ठीक है क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया यही हाई जोश चाहिए और लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए लाइक शेयर करते हुए आना है जितना लाइक शेयर आप कर सकते हैं लाइक शेयर करते रहने आज आपकी पूरी विदेश नीति की ऐतिहासिक विकास समाप्त हो जाएगा चलिए देखिए विदेश नीति की जब हम बात करते हैं दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों की बात करते हैं तो तभी संभव है जब आप आजाद हो उन्नीस से पहले हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे तो हमारे जितने भी कार्य होते थे किसी देश के साथ हमारी दोस्ती होगी या किसी देश के साथ हमारी दुश्मनी होगी किसके साथ हम व्यापार करेंगे किसके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे किसके साथ हमारी लड़ाई होगी ये सब चीजें निर्धारित की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा अब ऐसे में उन्नीस में हम आजाद होते हैं आजाद होते ही जिस दिन आजाद होते हैं उस दिन के बाद से ही भारत की विदेश नीति के बारे में आपको कई सारी चीजें जानने को मिल जाती हैं। और भारत की विदेश नीति जो है पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो एक यूनिक टाइप की विदेश नीति एक विरले टाइप की विदेश नीति एक अलग तरीके की विदेश नीति होती थी आजादी के बाद से भारत ने जिस विदेश नीति को अपनाया वो विदेश नीति कांटों से भरे रास्ते पर चलती थी कोई आसान काम नहीं था उस तरीके की विदेश नीति को अपनाते हुए कार्य करना उसका रीजन था तो हम सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू के जो कार्यकाल में भारत की विदेश नीति का जो विकास हुआ उसको देखेंगे फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल और फिर बाद में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक की सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे जब भी भारत में विदेश नीति की बात की जाती है तो जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का पर्यायवाची भारत में कहा जाता है ये वास्तविकता है ये सच्चाई है कि भारत की विदेश नीति को एक दिशा देने उसको बनाने और उसको और विश्व में सही दिशा से संचालित करने के में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी व्यक्ति का था तो वो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री उनका सारा का सारा अहम योगदान था अब इसके लिए भारत ने क्या विदेश नीति अपनाई तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति की अब स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति का मतलब समझिए हमें आजादी कब मिलती है हम आजाद होते हैं 1947 में उस समय विश्व के हालात कुछ ठीक नहीं थे उस समय विश्व में बड़ी ही गहमा गहमी गर्मा गहमी थी पूरे विश्व में हालात ऐसे थे कि दो बड़े बड़े गुट एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए थे इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि एक जंगल में दो शेर हैं या दो हाथी हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं और कभी भी एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं इस तरीके की परिस्थितियां थी शीत युद्ध जो है कोल्ड वॉर जो है वो चल रहा था शीत युद्ध में कौन कौन शामिल थे एक तो यूएसए सोवियत अमेरिका का गुट और एक सोवियत संघ सोवियत संघ इनका गुट ये पूंजीवादी थे ये साम्यवादी थे कोई भी देश जो आजाद होता तो आजाद होते ही उसके सामने सबसे पहली अग्नि परीक्षा ये होती थी कि वो अपने देश में किस तरीके की शासन व्यवस्था अपनाए और दूसरा विदेशी अपनी विदेश नीति का संचालन किस तरीके से करें और इन दोनों ही पहलुओं में इन दोनों ही फैक्टर्स में ये वाले जो दोनों देश हैं ये जो दोनों गुट हैं ये अपनी अपना हस्तक्षेप उसमें दिखाते थे क्योंकि ये दोनों ही देश चाहते थे जैसे ही कोई देश आजाद हो वो हमारे गुट में आ जाए हमारे अनुसार कार्य करे भारत के सामने भी यही विकट समस्या उस समय थी और इस चीज को हम समझ चुके थे जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद ही संविधान सभा में भाषण देते हुए आजादी से पहले ही कई सारी चीजें क्लियर कर दी थी संविधान सभा में भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था देखिए एक चीज और समझिए जब हम एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं पोलिटी या कोई भी चीज जब पढ़ाते हैं तो हम उसमें कितना भी महान व्यक्ति हो कोई भी व्यक्ति हो उनके हम नाम से संबोधित करते हैं तो ऐसे मत समझना कि उससे हम उनका कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या सम्मान नहीं कर रहे हैं जब ये चीजें बताई जाती है तो, तो प्रॉपर नाम लिया जाता है यहां पर हम उनके सामने श्रीमान नरेंद्र मोदी या श्रीमान जवाहरलाल नेहरू श्री जवाहरलाल नेहरू या श्री नरेंद्र मोदी या मोदी जी या नेहरू जी इस तरीके से कहकर के संबोधित वो नहीं कर सकते हैं वो यही है एग्जाम में भी जब आप लिखने जाओगे तो आपको इसी तरीके से लिखना है भारत के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम उस तरीके से नहीं ले सकते तो इसके लिए ये मत समझना कि आप सर ऐसे बोल रहे हो जवाहरलाल नेहरू ठीक है चलिए इस चीज को समझते हैं अब ये दो गुट थे भारत के सामने यही समस्या थी अब भारत थोड़ा सा समझदार था क्योंकि बहुत लंबा स्वतंत्रता संघर्ष था अधिकतर लोगों को लगता है कि हमारा स्वतंत्रता का संघर्ष जो है वो केवल आजादी के समय हुआ नहीं 1857 की क्रांति याद है उसके दौरान से ही भारत में लगातार भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष जो है कायम था कभी वो मुखर हुआ कभी वो दबा हुआ रहा इस सारी प्रक्रिया के दौरान हमें चीज समझ में आई कि हमें किसी के अधीन नहीं रहना है अधीन रहने का मतलब केवल आंतरिक मामलों में ही नहीं है विदेशी मामलों में भी है और वो तभी हो पाएगा जब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो आंशिक रूप से स्वतंत्र नहीं और हमारी संविधान सभा के जो हमारे संविधान निर्माता थे उन सबको इस चीज का बहुत अच्छे से आभास था कि अगर आजाद होने के बाद हम किसी भी गुट में शामिल हो गए तो हमारी जो आजादी जो हमने बरसों की मेहनत के बाद इतने संघर्ष के बाद प्राप्त की है वो पूर्ण आजादी ना होकर के आंशिक आजादी हो जाएगी क्योंकि अगर हम अमेरिका के गुट में शामिल हो गए तो फिर हमें अमेरिका की बातों को ही मानना पड़ेगा अमेरिका कहेगा कि भैया उस देश के साथ दोस्ती नहीं तो दोस्ती नहीं अमेरिका कहेगा उस देश पे हमला करने जा रहे तुम भी आओ तो हमें भी हमला करना पड़ेगा और उस गुट में शामिल होने के चक्कर में इस गुट के दूसरे गुट के जितने भी देश है वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे ऑटोमेटिकली तो पहली चीज तो एक तो आजाद होते ही हमने अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा ली और दूसरा हम आजाद हुए भी नहीं ढंग से हमारी विदेश नीति का संचालन इस महाशक्ति या इस महाशक्ति के द्वारा किया जाएगा तो ये दुविधापूर्ण स्थिति थी आजादी के बाद उस दौरान में लगभग विश्व में कई सारे देश आजाद हुए उन दो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अधिकतर देशों में से कोई अमेरिका के गुट में गया, कोई सोवियत के गुट में गया, बाकी परेशान थे, था। भारत ने उन एक नया रास्ता दिखाया ने संविधान सभा में भाषण देते हुए क्लियर कर दिया कि स्वतंत्र भारत में हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्धारण अपनी संप्रभुता के अनुसार करेंगे बिना किसी के हस्तक्षेप के हम एक शांतिपूर्ण विश्व चाहते हैं जिसमें हम सभी महाशक्तियों के सहयोग से कार्य करने की इच्छा रखते हैं तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हम सबके साथ सहयोग से चलेंगे अब सबके साथ सहयोग से कैसे चलोगे अगर किसी एक भी गुट में शामिल हो रहे हो तो दूसरा ना नाराज दूसरे में हो रहे तो पहला नाराज तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला बीच का रास्ता किस तरीके से निकाला हम हर चीज का उपाय ढूंढ लेते हैं एक बीच का रास्ता मिडल वे निकाल लेते जैसे हमने हमारा संविधान बनाने में भी एक बड़ी ही चतुराई से पूरे विश्व के संविधानों को पढ़कर के ढाल करके बनाया ऐसे ही हमने हमारी विदेश नीति की संरचना भी उस समय ऐसी बनाई जो उससे पहले विश्व में कभी भी देखी नहीं गई या देखी भी गई हो तो ऐसे खुलकर के और इतने बड़े स्तर पर नहीं देखी गई और उसको कहा जाता है एकदम बिल्कुल स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति इसके तहत क्या किया गया इसके तहत हमने कहा कि भैया ना तो हम इसमें शामिल होंगे ना ही हम इसमें शामिल होंगे लेकिन हम आप दोनों में शामिल नहीं हो रहे इसका मतलब यह मत समझना कि हम आपको पसंद नहीं करते इसका मतलब यह है कि हम आप दोनों से ही को ही पसंद करते हैं दोनों को लेकर के ही हमारे मन में आकर्षण है अभी प्रेम हुआ नहीं है मोहब्बत हुई नहीं है हमें दोनों के साथ समान रूप से लगाव है इसलिए हम क्या करेंगे हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएंगे स्वतंत्र विदेश नीति मतलब हम किसी गुट में शामिल ना होकर के हम दोनों के साथ सहयोग करेंगे और इस सहयोग करते हुए हम आगे चलेंगे अब भारत ने जब ऐसे कहा कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे किसी गुट में शामिल नहीं होंगे तो ऐसे में अमेरिका को मिर्ची लगी अमेरिका उस समय थोड़ा ज्यादा सुपर पावर था क्योंकि उसके पास परमाणु बम भी था जापान के हिरोशिमा नागासाकी को तहस नहस कर चुका था तो अमेरिका को लगा यार ये कैसे हो सकता है भारत एकदम स्वतंत्र कैसे रह सकता है इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा तो वहां से कई सारे प्रेशर आने शुरू हुए कई बार दबाव बनाया गया कई सारे मामलों में भारत की अनदेखी की गई तब भारत को यह समझ में आया कि स्वतंत्र विदेश नीति तो जरूरी है लेकिन इस स्वतंत्र विदेश नीति के साथ साथ एक ऐसा संगठन बनाने की भी आवश्यकता है जिसके ऊपर महाशक्ति जो है वो अपना प्रभाव ना जमा पाए और उनके बीच की आपसी जो तकरार है टकरार है उसके बीच में हम ना पिस जाएं इसलिए भारत ने एक नीति अपनाई जिसको कहा जाता है स्वतंत्र विदेश नीति के लिए गुट निरपेक्षता की नीति गुट निरपेक्षता की नीति और इस गुट निरपेक्षता के तहत जितने भी तीसरे विश्व के देश आजाद हुए थे उनको एक नया रास्ता मिल गया क्योंकि आजादी के बाद से ही वो परेशान थे कि यार क्या करें क्या करें अमेरिका में जा रहे हैं सोवियत संघ मार रहा है सोवियत संघ में जा रहे हैं अमेरिका मार रहा है दोनों में नहीं जा रहे तो दोनों मार रहे हैं अब क्या करें कोई तो आए चमत्कार हो तो वो चमत्कार भारत ने करवाया एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से आप ये पिक्चर देखिए यहां पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं इस पिक्चर में आपको तीन विश्व के बहुत बड़े महान नेता एक साथ देखने को मिलेंगे इनको कहा जाता है ट्रायो नेहरू नासिर टीटो नेहरू नासिर टीटो भारत मिस्र और ठीक है नेहरू नासिर टीटो इन तीनों ने मिलकर के गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया ये कहा कि जितने भी देश जो ना अमेरिका में जाना चाहते ना सोवियत संघ में जाना चाहते वो हमारे साथ आ जाओ हम सब मिलकर के एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो किसी का गुलाम नहीं है जो किसी के कहने पर नहीं चलेगा हम अपने मर्जी से ही चलेंगे हम आजाद रहेंगे ठीक है तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमारी विदेश नीति का एक आधार बना तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली विदेश नीति की जो खासियत थी वो थी स्वतंत्र स्वायत्त विदेश नीति किसी भी गुट में शामिल ना होने का निर्णय और इसका फायदा भी भारत को मिला और कुछ नुकसान भी हुआ हालांकि जब हम हमारी विदेश नीति को अगर चरणों में विभाजित करें तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक के समय आजादी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक का समय जो है उसको हम आदर्शवादी विदेश नीति अधिक कहते हैं और जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल आता है इंदिरा गांधी का शासनकाल आता है उसके बाद से लेकर के वर्तमान उन्नीस के दशक तक की विदेश नीति को हम यथार्थवादी विदेश नीति में जो रूपांतरण का दौर था वो कहते हैं साथ ही इसमें आदर्शवादी तत्व भी थे 1990 से 2013-14 तक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यथार्थवादी नीति के लिए और अधिक बेहतर प्रयास किए गए लेकिन भारत की आंतरिक परिस्थितियों के कारण वहां पर कुछ समस्याएं रही 2014 के बाद से वर्तमान तक की अगर हम बात करते हैं तो हम अपनी विदेश नीति को पूर्ण रूप से यथार्थवादी पाते हैं प्रैक्टिकल एकदम बिल्कुल जैसी है विश्व की परिस्थितियों के अनुसार उसमें आदर्शवादी तत्व अब नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति प्रारंभ में अपनाई गई वो आदर्शवादी अधिक थे आदर्शवादी होगी ना एक तरीके से कि पूरे विश्व में दो गुट हैं हम किसी भी गुट में शामिल होंगे हम तो दोनों के बीच दोनों से दोस्ती बनाए रखेंगे हालांकि इस चीज को उस समय हमारे नेता लोग समझ नहीं पाए कि इन दोनों गुटों से एक साथ दोस्ती करना संभव नहीं है क्योंकि एक ना एक तो आपसे नाराज होगा ही और भारत की क्योंकि व्यवस्था इस तरीके से थी कि हमारा झुकाव थोड़ा सा समाजवाद की तरफ था यानी कि वो सीधा सीधा दिखाता है कि सोवियत संघ की तरफ हमारा झुकाव होगा तो अमेरिका को ये चीज पहले से ही पसंद नहीं थी इसीलिए अमेरिका प्रारंभ से ही हमारा शत्रु बनकर के रहा और उसका खामियाजा हमें कई सारी चीजों में कई जगहों पर भुगतना पड़ा तो ये गुट निरपेक्षता की नीति जो है हमारी पहली प्रथम विशेषता थी इसके साथ साथ हमारे विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व था वो था एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता भारत का मानना था कि एशिया अफ्रीका के देश जो हैं ये ज्यादातर ऐसे देश हैं जिनके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ने पश्चिमी सभ्यता के देशों ने जबरदस्ती कब्जा किया इनका शोषण किया अत्याचार किया संसाधनों का दोहन करके अपने देश में ले गए और इनको एकदम बिल्कुल नरक की आग में झोंकता हुआ छोड़ करके चले गए और इन सभी देशों में लगभग लगभग एक जैसी समस्याएं हैं जैसे कि गरीबी अशिक्षा बेरोजगारी शासन व्यवस्था की अस्थिरता अस्थिर शासन यानी कि ना तो लोकतंत्र ढंग से काम कर रहे हैं ना सैनिक तानाशाही ढंग से काम कर रही है तो इन सभी देशों को एक तो सही रास्ता दिखाने के लिए और इन सब देशों की आंतरिक समस्याओं को दूर करने के लिए और इन सब देशों को जो महाशक्तियों का जो चंगुल में जो ये फंसे हुए हैं उनसे बचाने के लिए काम करना जरूरी था एक नेतृत्व प्रदान करना जरूरी था इन सभी देशों को बोला जाता है तीसरी दुनिया के देश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इनको कहा जाता है तो भारत ने शुरुआत से ही एशियाई अफ्रीकी देशों के साथ एकता की बात की एकता की क्योंकि भारत भी उन्हीं परिस्थितियों से निकला समय समय पर अलग अलग सम्मेलन हुए कभी बांडुंग सम्मेलन हुआ इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस नीति के तहत भारत ने विश्व में स्पष्ट तौर पर यह चीज क्लियर कर दी कि भाई हम समूचे विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते हैं ठीक है कहीं पर भी एशिया अफ्रीका खास करके अगर कोई महाशक्ति ने किसी देश के ऊपर कब्जा कर रखा है तो हम ये उनसे आग्रह करते हैं कि आप उस, उनको आजाद कर दीजिए छोड़िए उनकी स्वतंत्रता उनको दीजिए

प्राथमिकता दी उन देशों में एकता के प्रसार को प्राथमिकता दी जो हमारी ही तरह उपनिवेश रहे या हमारे ही जैसी समस्याओं से ग्रसित रहे इसलिए एशियाई अफ्रीकी देशों के साथ एकता को लेकर के हम चले सामूहिक एकता पर हमने बल दिया ये मैप देखिए इस मैप से आपको पता चलेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये देखिए जब हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड की जो नीला नीला रंग दिख रहा है ये अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे यानी कि पूंजीवादी राष्ट्र इनको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी इसमें यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा या और यहां पर आप देखोगे अमेरिका और इधर सब उसमें शामिल थे जो बड़े बड़े महाशक्तियां पावरफुल राष्ट्र कंट्रीज थी सेकेंड वर्ल्ड जो ग्रीन कलर में आप यहां पर देखेंगे ये वो देश हैं जो साम्यवादी थे कम्युनिस्ट थे यानी कि सोवियत संघ और उसके समर्थक ये अभी जो आप इधर देख पा रहे ना वो बाद का विभाजन हुआ पहले ये वाला एरिया इतना इससे ऊपर का अफगानिस्तान से ऊपर का ये सब चीज सारा का सारा क्षेत्र सोवियत संघ ही होता था इनकी संख्या आपको थोड़ी सी कम लगेगी और जो लाल लाल रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें भारत भी शामिल है और भारत के साथ देखोगे एशिया के बहुत सारे देश हैं यहां पर अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं लैटिन अमेरिका के भी कुछ देश हैं ये लाल लाल देश ये वो देश हैं जिनको हम तीसरा विश्व कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं यही वो देश है जिनके ऊपर अत्याचार हुए यही वो देश हैं जो अधिकतर समय गुलामी में रहे हैं यही वो देश हैं जिनके संसाधनों को लूट खाया इन पश्चिमी सभ्यताओं ने जिनकी नजरें इन पहले विश्व और दूसरे विश्व के दोनों इन दोनों देशों की नजरें आज भी इन तीसरे विश्व के देशों पर रहती है क्योंकि इन देशों में संसाधन बहुत है विकास की संभावनाएं बहुत है लेकिन इन देशों के पास तकनीक नहीं है पैसा नहीं है विकास हुआ नहीं है तो ऐसे में इन देशों के ऊपर प्रभाव जमाने की कोशिश लगातार दोनों पहले विश्व और दूसरे विश्व के द्वारा आज तक जारी है भारत भारत जो था भारत इस तीसरे विश्व के देशों का लीडर बनकर के उभरा और इन तीसरे विश्व के देशों की एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश की विकसित राष्ट्रों के द्वारा कमजोर राष्ट्रों के ऊपर किए जाने वाले कम अत्याचार साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध किया और बड़ी संख्या में इन सभी देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की और गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी का ही एक उदाहरण रहा अब आजादी के समय हमारी विदेश नीति का जो तीसरा सबसे प्रमुख चीज था वो था चीन के साथ हमारे संबंध हमारे आज चीन के साथ जिस तरीके के संबंध है वैसे संबंध आजादी के समय नहीं थे आज जिस तरीके की तकरार है जिस तरीके की दुश्मनी कड़वाहट हमें दिखती है आजादी के समय उतनी ही मधुरता उतनी ही मिठास उतनी ही मित्रता देखने को मिलती थी जब हम आजाद हुए ना तो आजाद होने के बाद हमें अमेरिका सोवियत संघ के गुट में शामिल होना स्वीकार नहीं किया तो ऐसे में हमें डेवलपमेंट तो करना था मेरे दोस्त विकास तो करना था विकास तब हो सकता था जब हम हमारे आस पड़ोस के जो महाशक्तियां हैं उनके साथ मित्रता करें दोस्ती करें एशियाई एकता उसको दिखाएं उसी एशियाई एकता के लिए हमने चीन के साथ बेहतर संबंध बनाए पड़ोसी था साम्यवादी जरूर था लेकिन क्योंकि भारत के बिल्कुल पड़ोस में था और इसलिए हमें चीन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी उसका रीजन ये था कि भारत के बिल्कुल बगल में पाकिस्तान था पाकिस्तान के संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं थे तो भारत और पाकिस्तान एक नहीं हो सकते थे ये दोनों मिलकर के काम नहीं कर सकते थे और पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ अधिक था अमेरिका वहां पर अपना हस्तक्षेप करता रहता पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेकर के अपने इशारों पर नचाने में अमेरिका पहले से ही माहिर था तो हमें एक ऐसा देश चाहिए था जिसके साथ मिलकर के हम मजबूती से आगे बढ़ सके और ऐसा देश हमें दिखा चीन और जब चीन हमें दिखा तो हमने चीन के साथ मित्रता के संबंध स्थापित किए यह मैप देखिए आप इस मैप में भारत के यहां पर इतने बड़े क्षेत्र में आप देखोगे तो ये चाइना है बहुत बड़े क्षेत्र में और इस चीन के साथ हमने मित्रता के संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़ते हुए हम चले इसके लिए हमने एक सिद्धांत अपनाया उस सिद्धांत को हम बोलते हैं पंचशील का सिद्धांत जब चीन में क्रांति हुई थी तो चीन की क्रांति के बाद जो साम्यवादी शासन वहां पर स्थापित हुआ उस साम्यवादी शासन के लिए पूरे विश्व में कहीं से भी मान्यता नहीं दी जा रही थी जो चीन का वास्तविक शासक था पहले माओ से तुंग से पहले वो भाग करके ताइवान चला गया था बरबोसा चला गया था अब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई चीन में माओ से तुंग का उभार हुआ भारत पहला ऐसा देश था जिसने चाइना को मान्यता दी क्योंकि भारत को पता था बिल्कुल पड़ोस में है एकदम बिल्कुल साथो साथ ही है और हम अपने दोस्त के साथ पड़ोसी के साथ खड़े रहेंगे तो पड़ोसी हमारे साथ खड़ा रहेगा मुसीबत के समय पड़ोसी ही काम आता है थोड़े से आदर्शवादी हम थे उस समय चीन को मान्यता दी चीन को लगा यार भारत के साथ अच्छी बात है मधुर संबंध बनाए जा सकते हैं भारत और चीन के मधुर संबंध बने भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे का सम्मान करेंगे वगैरह वगैरह इस तरीके से चीजें रुई तो प्रारंभिक समय में प्रारंभिक दौर में भारत ने चीन के साथ अपनी संबंध जो है बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की तो ये आजादी के बाद से लेकर के 1960 के दशक तक भारत की विदेश नीति के प्रमुख प्रमुख जो फैक्टर्स थे वो आपने देखे इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद यह चीज क्लियर हो जाती है कि जवाहरलाल नेहरू की नीति जो है वो आदर्शवादी थी उसका रीजन यह था कि भारतीय विदेश नीति में नेहरू के द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व परमाणु हथियारों का विरोध तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने का नारा दिया गया उस समय बहुत सारे विचारक ये मानते थे कि भारत को अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ानी चाहिए बढ़ाना चाहिए अपने पास न्यूनतम इस तरीके के हथियार रखने चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उसका काम इस्तेमाल किया जा सके जवाहरलाल नेहरू उन चीजों के सख्त खिलाफ थे जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जितना पैसा हम हथियारों पर लगाएंगे उससे हम अपने देश का विकास करेंगे हालांकि देश के लिए सोचना बिल्कुल ठीक था इसमें कोई बुराई नहीं है वो उस तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से देश की जो आर्थिक स्थिति थी गरीबी थी बेरोजगारी थी अशिक्षा थी स्वास्थ्य समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए जरूरी था कि हम अपने नागरिकों पर ज्यादा फोकस करें लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता था कि हम पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा को दांव पर लगा दें लेकिन तत्कालीन समय में क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि हमारे पड़ोस जो है वो शांति प्रिय पड़ोस है केवल पाकिस्तान की तरफ से समस्या है तो पाकिस्तान की तरफ हमने से, जो आ, सेना जो है वो लगा रखी थी पाकिस्तान की सीमा पर बाकी एरिया में लगता था बड़ा ही शांत है और खास करके चीन हमारा इतना बड़ा दोस्त है मित्र है कोई दिक्कत होगी नहीं तो हमें उतने ही हथियार रखने की आवश्यकता है जितने से हम पाकिस्तान को रोक सके और पाकिस्तान की हालत तो हमसे भी कम खराब थी इसलिए हमने ज्यादा हथियारों की तरफ ध्यान नहीं दिया हमने हथियारों के समूल विनाश इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के के आर्टिकल 51 अंदर भी वैश्विक शांति की बात की गई है तो हमने उसको लागू करने की कोशिश की जो कि आइडियलिस्टिक ज्यादा था व्यवहारिक ज्यादा था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक कथन बड़ा ही प्रचलित है बहुत फेमस है उसमें कहा जाता है कि आपका ना तो कोई स्थायी मित्र है ना ही आपका कोई स्थाई शत्रु है अगर कोई स्थाई है कोई परमानेंट है तो आपके राष्ट्रीय हित हैं इसलिए आपको अपने देश के राष्ट्रीय हितों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए लेकिन भारत उस समय यह सोच रहा था कि चीन उसका स्थाई मित्र है और स्थाई मित्रता चलती रहेगी इसीलिए भी उसको आदर्शवादी अधिक कहा जाता है विदेश नीति को इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने हथियारों के संग्रह तथा सुरक्षा के बजाय शांति स्थापना पर बल दिया पीस के ऊपर फोकस किया सामाजिक और आर्थिक विकास भारत की पहली प्राथमिकता उन्होंने बताई परमाणु क्षमता परमाणु हथियारों का उन्होंने विरोध किया कि परमाणु हथियारों को समाप्त किया चाहिए विश्व के अंदर इस तरीके की कोई समस्या ना हो और इनका यह मानना था अगर हम हथियारों की दौड़ में शामिल होंगे तो हमारा आर्थिक विकास प्रभावित होगा लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी इसीलिए इस तरीके की आदर्शवादी नीति अपनाई गई और इस आदर्शवादी नीति के तहत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भी विरोध किया गया भारत को लगता था कि हम विरोध करेंगे विदेशी सत्यों का और वो अपने उपनिवेशों को छोड़ देंगे उनको आजाद कर देंगे हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं ये अच्छी चीज है बढ़िया चीज है कि विदेश दूसरे देशों को आजाद होना चाहिए लेकिन यह आदर्शात्मक अधिक थी क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे कि भैया तुमने उसके ऊपर कब्जा कर क्यों कर रखा है छोड़ो तो हमारे कहने से तो छोड़ेगा नहीं उसने कब्जा क्यों कर रखा है क्योंकि उसको वहां से फायदा हो रहा है उसको वहां से बेनिफिट हो रखा है अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया उसको फायदा था उन्होंने यहां से सारी की सारी रिसोर्सेज संसाधन उसको लिए उसका प्रयोग किया है ना तो वो किसी के कहने से छोड़ करके थोड़ी जाने वाला था वो अपना नुकसान क्यों कराएगा कोई भी देश जो विकसित होता जा रहा है वो अपना नुकसान क्यों करवाएगा तो ऐसे में हमने विदेश नीति तो जरूर अपना ही अपनाई हमने उनका विरोध भी किया लेकिन उसका कोई असर उनके ऊपर पड़ने वाला नहीं था कि भैया हमारे कहने से कोई आजाद हो जाए वो तो परिस्थितियां बनना जरूरी था जिस जिन परिस्थितियों के आधार पर कोई महाशक्ति किसी देश को आजाद करे ये अच्छी चीजें थी ये ऐसी चीजें जो बढ़िया चीजें हैं जो एक जैसे आप वास्तविक जिंदगी में एक सच्चे प्रेमी सच्ची प्रेमिका को ढूंढते हैं ना ये उस तरीके के तत्व थे जो भारत की विदेश नीति में शांति पीस निशस्त्रीकरण कोई हथियार नहीं मिनिमम हथियार है ना जैसे आजकल आप देखो ना केवल मेरे लिए हो केवल मुझे ही देखे केवल मुझसे ही बात करे किसी और से बात ना करे है ना केवल पूर्ण रूप से मेरे लिए ही डेडिकेटेड हो पैदा होने के बाद से आज तक केवल उसकी जिंदगी में अगर कोई देखा हो कोई सपना आए तो केवल मेरा ही सपना आए और कोई ना आए मेरे अनुसार पहने मेरे अनुसार खाए मेरे अनुसार दोस्ती करे रिश्ते करे इस तरीके की चीजें लोग ज्यादातर ऐसे सोचते हैं आज के टाइम में जो रिश्ते बनाए जाते हैं जो ज्यादातर रिश्ते टूटते हैं ना उन रिश्तों के टूटने का कारण क्या होता है कि एक आदर्शवादी सोच ज्यादा रखते हैं वो आइडियलिस्टिक सोच रखते हैं उनको लगता है कि अगर किसी के साथ भाई बातचीत होगी दोस्ती होगी मित्रता होगी प्रेम हो गया ना तो अब तो प्रेम हो गया है अब तो ये मेरी गुलाम हो गई अब तो ये जैसे मैं कहूंगा वैसे करना पड़ेगा पड़ेगा इस लड़की को या जैसे मैं कहूंगा वैसे करना पड़ेगा इस लड़के को और जब वो वास्तविकता फिर धीरे धीरे निकल करके सामने आती है है ना फिर तकरार होते हैं फिर झगड़े होते हैं फिर रिश्ते टूटते हैं इसी तरीके से भारत के साथ भी हुआ भारत ने एक आदर्शवादी नीति अपनाई प्रारंभ में थोड़ा सा ठीक ठाक मामला चला लेकिन भारत कई सारे मामलों में गलती कर गया उस समय कई सारी चीजों को समझने से पीछे रह गया खास करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जो परिस्थितियां बदल रही थी उनको समझने में थोड़ी सी गलती वहां पर हम कर बैठे इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो उन्नीस में भारत का दिल टूटा जैसे आप लोगों का दिल टूटता ना आपको लगता है किसी से प्रेम हो गया प्रेम होने के बाद आपको लगता है यार वो केवल मेरे से बात करेगी या मेरे से ही बात करेगा और वो आप देखते उसी टाइम की कि किसी कोई दूसरा मिल गया अच्छा पैसे वाला अच्छा नौकरी वाला या अच्छे नौकरी वाली अच्छी पैसे वाली तुमसे ज्यादा सुंदर तो वो तुरंत देखते हो कि उनका रुख बदल जाता है वो उसके साइड में चले जाते हैं तुम्हें दूसरे अपने घर के आसपास के लोग या तुम्हारे दोस्त समझाते हैं कि दोस्त तू उसके चक्कर में मत पढ़ मत पढ़ उसके चक्कर में अपने कैरियर पे ध्यान दे तेरी असली कामयाबी तेरा कैरियर बनने पर है लेकिन आप लोगों को क्या लगता है यार प्रेम है वो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकती मेरे साथ ऐसे वो तो मेरी इतनी प्रिय है वो तो मेरा इतना प्रिय है और जब आप कुछ बनते ही नहीं नौकरी वोकरी लगते नहीं तो जो आपका प्रिय है जो या आपकी प्रिय है वो सब आपको तुरंत छोड़ छोड़ करके निकल जाते हैं और फिर उसके बाद आपका दिल टूटता है और फिर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं जा बे वफा जा हमें प्यार नहीं करना या कुछ एक अलग लेवल का मोटिवेशन ले आते हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी भारत के साथ इसी तरीके की चीजें हुई हमने आदर्शवादी विदेश नीति अपनाई लेकिन हम ये भूल गए कि चीन एक ऐसा देश था जो साम्यवादी देश था और उसका खून में उसके रगों में यही लिखा हुआ था क्रांति उसके बनने के दौरान से ही यह चीजें उसके अंदर समाई हुई थी कि वो विस्तारवाद का समर्थक है वो चाहते हैं कि उनका जितना ज्यादा विस्तार हो वो बढ़ोतरी हो उतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो बढ़े पूरे विश्व में और माओ से की तो एक पॉलिसी भी थी फाइव फिंगर पॉलिसी और उस फाइव फिंगर पॉलिसी में भारत के लद्दाख सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र था शुरुआत में थोड़ी मित्रता अच्छी रही इसलिए माओ माओस्त का वो जो सपना था फाइव फिंगर पॉलिसी उसके ऊपर इतना अधिक आक्रामक रूप से उसने कार्य नहीं किया हालांकि तिब्बत के ऊपर उस कब्जा अपना दावा वो शुरुआत से ही करता रहा अब भारत ये चीज समझने में गलती कर गया कि जो देश अपने पड़ोसी तिब्बत को हथियाने के लिए उसमें जिस तरीके की अनुचित गतिविधियां कर सकता है तो भारत के साथ भी तो कर सकता है ऐसे में बहुत सारे लोगों ने कहा जवाहरलाल नेहरू को कि आप अपनी सीमाओं को थोड़ा सा मजबूत बनाइए सीमा सुरक्षा होना बहुत जरूरी है हथियार रखिए कम से कम ऐसे हथियार रखिए कि बड़ी से बड़ी महाशक्ति एक बार के लिए आप पर हमला करने के लिए सोचे तो प्रारंभ में तो बिल्कुल स्पष्ट था जवाहरलाल नेहरू इनके बिल्कुल खिलाफ थे लेकिन 1959 में 1959 में क्या होता है दलाई लामा भारत में आते हैं और दलाई लामा के भारत में राजनीतिक शरण लेने का चीन के ऊपर एक अलग तरीके का असर पड़ता है क्योंकि चीन उसको दलाई लामा को उनको अपने हिसाब से विद्रोही मानते थे भारत ने शरण दी तो चीन को लगा कि भारत तो उसका दोस्त था के मामलों पर सिद्ध पंचशील पर साइन किया था कि आंतरिक मामलों पर हस्त हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो उस समय से चीन जो है भारत के खिलाफ थोड़ा सा कहते हैं, सनक जाना किसी का तो चीन की सनक गई थी भारत अभी भी आदर्शवादी था कि हमारा भाई है कोई नहीं हम मना लेंगे लेकिन चीन अपनी वास्तविक जो असली उसकी नीति थी फाइव फिंगर पॉलिसी अब वो उस पर आ चुका था वो तैयारियां कर रहा था भारत के ऊपर हमला करने की जिस समय उन्नीस के समय जब भारत पर चीन की तरफ से हमला होने जा रहा था उससे कुछ समय पहले तक ही जवाहरलाल नेहरू के पास ये खबर थी ये इंफॉर्मेशन थी कि चीन हम पर हमला करने की प्लानिंग में फुल मूड में है सेना बढ़ा लो हथियार ले लो लेकिन बात वही आ जाती है आदर्शात्मक उनको लगता था चीन तो हमारा बड़ा भाई है हिंदी चीनी भाई भाई है चीन अभी नाराज है हमला नहीं करेगा वो बस नाराजगी दिखा रहा है उसको मैं मना लूंगा ये जवाहरलाल नेहरू का विचार था तो ये आइडियलिस्टिक था जैसे आपका भी होता है ना आपको कोई साथी आपका पार्टनर है आप बेरोजगार हैं बहुत टाइम से आप कमा भी नहीं रहे कुछ भी नहीं कर रहे तभी ऐसे में उसको कोई एक अच्छा खासा ऐसा रिश्ता मिल जाता है जो एक ऑफिसर है आई ए एस आई पी एस खूब पैसा है खूब नाम है रिश्ता कर दिया जाता है घर वाले उससे रिश्ता करवा रहे हैं वहां पर लेकिन तुम्हारा दिल आखिर तक ये रहता है नहीं यार वो तो सिर्फ मेरी नहीं वो तो सिर्फ मेरा है शादी का मंडप छोड़ करके आएगा शादी का मंडप छोड़ करके आएगी और तुम तो इंतजार करते रह जाते हो चिड़िया उड़ जाती है है ना फिर उसके बाद पता चलता है कि यार कास मैं अपने पे मेहनत कर लेती या अपने पे मेहनत कर लेता तो आगे बढ़ जाता यहां पर भी यही सिचुएशन हुई उन्नीस के इस युद्ध में चीन ने हम पर उन्नीस में चीन ने हम पर हमला कर दिया और जब हमला कर दिया तो जवाहरलाल नेहरू को यह चीज समझने में काफी कई घंटों का समय लग गया कि चीन ने हम पर हमला कर दिया वो उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे सदमे में चले गए थे उसके बाद हमने हमारी सेनाएं भेजी लेकिन तब तक बहुत बड़े क्षेत्र पर भारत के चीन कब्जा कर चुका था तो ये हमारी विदेश नीति के जो आदर्शात्मक पहलू थे उसका नकारात्मक असर या उसका खामियाजा हमने उन्नीस में जाकर के भुगता उससे पहले सब चीजें ठीक चल रही थी लेकिन क्योंकि पूर्ण रूप से आदर्शात्मक ही थे इसलिए चीन हम पर हमारे अक्साई चीन वाले क्षेत्र को कब्जा में कामयाब हो गया अब इसे विदेश नीति की असफलता कहा जाता है भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उस समय और ज्यादा उत्पन्न होगी जब चीन ने परमाणु बम भी बना लिया इससे पहले बिना परमाणु बम के चीन ने ऐसी हिमाकत की कि भारत पर हमला करके कब्जा कर लिया अब सोचो ऐसे परमाणु देश आक्रामक देश और वो परमाणु बम बना लिया तो वो भारत की क्या दुर्दशा कर सकता था तो 1964 तक की अगर हम बात करते हैं तो भारत की विदेश नीति में आदर्शात्मक तत्व अधिक थे लेकिन 1964 में क्या होता है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश को एक नए प्रधानमंत्री मिलते हैं लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री वो कोशिश करते हैं उस समय की समस्याओं से निपटने के लिए स, देश उस समय बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था हालांकि जवाहरलाल नेहरू जितने या जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले के उतनी सशक्त तरीके से डिसीजन मेकिंग करने में लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे एक शांत एक ठीक ठाक सा सबको एक साथ लेकर के चलने वाला स्वभाव था लेकिन उसी कार्यकाल में उन्होंने एक जो अच्छी चीज की वो अच्छी चीज ये की कि उन्होंने भारत की सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए। ना केवल सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए बल्कि हमने हथियार भी खरीदे हमने अपने हथियारों को विकसित करने पर भी बल दिया हमने कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन किया पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन जो है वो उन्नीस से ही शुरू हो गया था जब चीन और भारत का युद्ध हुआ तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आई इसकी स्थापना की गई फिर एस इसकी स्थापना की गई आई तिब्बत और भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए ताकि चीन ना जाए एस एस बी भारत नेपाल भारत भूटान की सुरक्षा सीमा की सुरक्षा करने के लिए उसमें भूटान और नेपाल हमारे लिए खतरा नहीं थे बल्कि यह था हमें यह अंदाजा था यह अंदेशा था कि चीन इनके रास्ते से हमारे देश के अंदर कुछ गड़बड़ियां करा सकता है इस तरीके की हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाने शुरू किए और उसके लिए हमने हथियार और बाकी सारी चीजें विदेशों से खरीदनी शुरू की यहां से हमारी विदेश नीति में यथार्थवादी तत्व थोड़े थोड़े से प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं उन्नीस के कार्यकाल में जब हमारा लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा उन्नीस सौ में भारत उस भयंकर अकाल से जूझा खाद्यान्न की कमी हो गई थी देश में पार्टी के भीतर भी लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ स्वर उठने ही वाले थे कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया और जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो यह कहा जाता है कि जब भी युद्ध होता है तो देश की आंतरिक छोटी मोटी असफलताओं को वो अपने साथ ढक देता है और उस समय केवल युद्ध ही एक मुख्य मुद्दा बन जाता है कोटिल्य का सिद्धांत भी यही बोलता है कि अगर राजा की प्रजा उससे संतुष्ट नहीं है उसके खिलाफ विरोध करने वाली या विद्रोह करने वाली है तो ऐसे में राजा को अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ युद्ध छेड़ देना चाहिए क्योंकि जैसे युद्ध छेड़ोगे देश के अंदर लोगों में प्रजा में देशभक्ति की भावना का संचार किया जा सकता है और देश के लोग आपका विरोध भूल करके उस देश को उससे जीतने में लगा देते हैं और ऐसे में अगर युद्ध आप जीत गए तो आप जो हारे हुए थे विरोधी थे वही लोग आपको सम्मान देंगे यही चीज यहां पर हुई अकाल का दौर था पाकिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहा था लेकिन क्योंकि हम हथियार ले चुके थे हम अपने हथियारों को विकास करने पर भी कोशिश कर चुके थे विदेशी संबंध हम इस तरीके से संचालित कर रहे थे कि हमें विदेशों से हथियार मिलना शुरू हो जाए तो हमने हथियार भी खरीदे उस युद्ध में पाकिस्तान को हमने चारों खान ने पटकनी दी मुंह की खाई पाकिस्तान ने पाकिस्तान हार गया उसी टाइम अकाल का दौर था तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने भारत के जितने भी नागरिक थे उन सब से एक दिन के व्रत की बात की थी उनसे एक वो लिया एक वायदा लिया कि सभी लोग हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन खास करके व्रत रखेंगे व्रत इसलिए रखेंगे ताकि उस समय जो एक दिन आप भूखे पेट रहेंगे वो खाना आप बचा करके उसके सहारे बाकी बहुत सारे लोगों को खाना मिल सके सभी लोगों तक और हमने हमारी विदेश नीति का संचालन उस समय ऐसे किया कि ऐसे देशों के साथ संबंध बनाए जहां से हमें खाद्यान्न जो है मिलते चले अब 1965 के युद्ध में हम विजयी होते आया चीन जो है उसका भी समर्थन पाकिस्तान के साथ था और पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला इसी लिए किया था क्योंकि उसको लगता था कि अमेरिका और चीन उसके साथ हैं और भारत अभी कमजोर है उन्नीस की हार से भारत का मनोबल टूटा हुआ है और भारत में अकाल की भी समस्या है और भारत के सबसे प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू वो भी नहीं रहे तो उसको लगता था भारत समस्याओं से घिरा है इसी समय हमला कर देना चाहिए लेकिन वो ये चीज भूल गए थे पाकिस्तान ये चीज भूल गया था कि भारत जो है अब वो पूर्ण रूप से आदर्शात्मक देश नहीं रहा अब उसने अपनी नीति में व्यवहारिकता लाना प्रारंभ कर दिया युद्ध हुआ युद्ध हम जीते और उस युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत बड़ी हस्ती बनकर के उभरे महानायक नायक बनकर के उभरे नारा भी दिया गया जय जवान जय किसान पूरे देश में ये नारे गूंजने लगे जय जवान जय किसान और जो असंतोष की भावना थी वो समाप्त हो करके अब एक देशभक्ति की भावना में तब्दील हो हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ ही रहे थे कि पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए ताशकंद हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे फैक्टर्स थे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं जो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के साथ लगी हुई है कुछ बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर में दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई कुछ लोग बोलते हैं हृदय घात हो गया आघात आया कुछ लोग बोलते हैं कि वहां की जो के जी बी है यूएसएसआर की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को हत्या करवाई तो कई सारी चीजें थी इनके ऊपर अभी नहीं जाते कभी हम डिटेल में जब इनके ऊपर चर्चा करेंगे तब बात करेंगे अभी बस ये देख लेते हैं कि उनकी मृत्यु होगी ताशकंद समझौते की तुरंत बाद और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद एक नए व्यक्ति एक नए नेता का भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सशक्त उभार जो है होता है और उनका नाम था इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी जो है वो भारत की नई प्रधानमंत्री बनी और यहां से भारत की विदेश नीति में यथार्थवादी तत्व जो है लगातार बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए आदर्शवादी तत्वों को हमने पूरी तरीके से छोड़ा नहीं हालांकि उनको भी अपनाए रखा लेकिन उनकी जो कहते हैं ना कि कुछ चीज कम होगी कुछ ज्यादा होगी जैसे कई लोग होते हैं कईयों हो का स्वभाव होता है वो गुस्सा भी कभी करते हैं और शांत भी रहते हैं लेकिन वो हो सकता है कि शांत अस्सी प्रतिशत नब्बे में शांत ही रहे तो और जो यथार्थवादी तत्व थे उनको वहां पर ला करके हमने कोशिश की अब हमारी विदेश नीति का संचालन यथार्थवाद के आधार पर होने लगा और उस यथार्थवाद उस गुणात्मक परिवर्तन के हमने कई परिणाम भी देखे उन परिणामों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं यह होता है दूसरा चरण इसको कहते हैं विदेश नीति का दूसरा चरण जब हम उन्नीस के युद्ध जो है उससे आगे 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 बढ़ते हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल को बेसिकली हम दूसरे चरण में लेते हैं अब देखिए इस दौर में एक चीज तो इस पर फोकस किया गया उन्नीस सौ में चीन ने परमाणु बम बना लिया है अब हमें अगर हम जवाहरलाल नेहरू वाली आदर्शात्मक नीति में रहते तो हम क्या करते कि अब कोई बात नहीं हो तो बड़ा भाई है, बना लिए बनाने दो कुछ क्या करेगा थोड़ी वो हमारे लिए थोड़ी बना रहे हम पर थोड़ी हमला करेगा वो तो हमारा मित्र है हम नहीं बनाएंगे उनको बनाने दो वो होती आदर्शात्मक जिंदगी एडवर्टाइजमेंट आता ना ये है आम जिंदगी और फिर दूसरी तरफ आता है ये है मिंटोस जिंदगी दिमाग की बत्ती जलाए दिमाग की बत्ती जल जाती है तो ऐसे ही जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी उस समय भारत ने इन सभी चीजों पर बहुत गहराई से गौर किया कि परमाणु बम है बिल्कुल पड़ोस में हमारे सर पे बैठा हुआ हमारा है हमारा दुश्मन है हमारा क्षेत्र कब्जा लिया है कभी भी हम पर हमला कर सकता है ऐसे में अगर उससे बचाव चाहिए सुरक्षा चाहिए तो हमें भी अपना परमाणु बम बनाना पड़ेगा फादर ऑफ ऑल वेपन्स मदर ऑफ ऑल वेपन्स सभी हथियारों का बाप परमाणु बम और इस दौर में परमाणु बम परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए प्रयास बहुत तेज कर दिए गए और हमारी विदेश नीति में ऐसे देशों के साथ हमने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की उन देशों की तरफ हमने करीबी संबंध बनाए जहां से हमें परमाणु क्षमता हासिल हो सकती थी जो हमें परमाणु क्षमता बनाने में हालांकि हम यू नहीं कहते थे उनसे कि हमें बम बनाना हमें अपने देश की सुरक्षा ऊर्जा की सुरक्षा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु क्षमता चाहिए थी परमाणु एनर्जी की जरूरत थी उसी के साथ साथ हम रिसर्च अपना जारी करते रहे लगातार कोशिश जो है वो होती रही और परमाणु बम बनाने का प्रयास हमने प्रारंभ कर दिया बैकग्राउंड में वो चीजें चल रही भारत की सेना का आधुनिकीकरण किया उन्नीस के, के युद्ध के बाद हमने और भारत की सेना को ज्यादा हथियार प्रदान किए विदेशों से खरीदे और यही नहीं जैसे 1965 में हमने क्या किया हमने हमारे पैरामिलिट्री जो बल थे अर्धसैनिक बल थे उनकी संख्या उनमें भी वृद्धि की जैसे कि पहले आपने देखा था कि चीन के युद्ध के बाद आईटीबीपी एसएसबी बनाया गया अब बीएसएफ की गठन गठन किया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए क्योंकि ये सम अब हमारी व्यवहारिक नीति यहां पर दिखाई देती है कैसे दिखाई देती है वो ये चीज समझ में आए कि पहले केवल एक ही सेना वो ही पूरे देश की चारों तरफ की सीमाओं की अगर रक्षा करता है तो ये संभव नहीं है क्योंकि भारत की सीमाओं की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं है और ना ही भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध एक जैसे हैं तो जैसे इसलिए अलग अलग देशों की सीमाओं के साथ सुरक्षा करने के लिए अलग अलग विशेष बल होने चाहिए जिनको उस क्षेत्र के बारे में उस एरिया के बारे में बहुत गहन प्रशिक्षण देकर के लगाया रखा जा सके इसीलिए आईटीबीपी का गठन हुआ था आईटीबीपी में आप जो देखना ज्यादातर लोग स्कीयर होते हैं या पर्वतारोही होते हैं जो पर्वत चढ़ना जानते हैं बर्फ के ऊपर स्कीइंग करना जानते हैं क्योंकि तिब्बत के साथ लगती सीमा की सुरक्षा करता है वहां पर पहाड़ी क्षेत्र बर्फवीला क्षेत्र होता है ऐसे ही भारत पाकिस्तान की सीमा की सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ का गठन किया गया कि ये केवल भारत पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा करेगा इसी के साथ साथ एक और व्यवहारिक चीज जो हुई वो हुआ आईबी का विभाजन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो था, इंटेलिजेंस ब्यूरो आज भी है लेकिन पहले हमारी जो आईबी है इसको आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके की खुफिया जानकारियां देने के लिए अधिकृत किया गया था आईबी भारत की आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके की सूचनाओं के लिए जिम्मेदार थी लेकिन आईबी के होते हुए भी 1962 का और 1965 का युद्ध युद्ध और इनकी सटीक जानकारी, सटीक जानकारी, भविष्यवाणी ये नहीं कर पाई समझ में आया कारण क्या कारण था कि इसके ऊपर कार्यभार बहुत अधिक था आंतरिक और बाहरी एजेंसी एक जैसी नहीं हो सकती दोनों को अलग करने की आवश्यकता है तो हमने आईबी का विभाजन करते हुए एक नई संस्था का गठन किया जिसको आर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आर एंड ए डब्ल्यू कहा जाता है इसको रो भी बोलते हैं लोग रा हिंदी में बोला जाता है रा। इसका गठन किया आईबी को केवल हमने अब जिम्मेदारी दे दी कि भैया आप केवल आंतरिक मामलों में देखोगे और रा जो है इसको हमने भूमिका दी कि आप जो है देश के बाहर देश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के बाहर जो है वहां पर देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी रखोगे देश के खिलाफ होने वाली साजिशों के खिलाफ की जानकारी रखोगे देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखोगे ये बाहरी आसूचना एजेंसी होगी या आंतरिक आसूचना एजेंसी होगी तो दो अलग अलग तरीके की गुप्तचर एजेंसी जो है वो ये भी ये भारत की यथार्थवादी नीति को दिखाता है विदेश नीति की बात करें क्योंकि रो जो है वो विदेश नीति का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि विदेशी देशों में दूसरे देशों में जाकर के रो के एजेंट जो है वो काम करते हैं आप अगर रो के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप एक मूवी देखिए उस मूवी का नाम है राजी राजी आलिया भट्ट और विकी कौशल की मूवी बहुत बेहतरीन मूवी है देखने में पूरे एंड तक आपको लगेगा जिस देशभक्ति का एक भाव का संचार आपके अंदर हो रहा है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार इस तरीके की गाना भी है ना उसमें ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू वही गाना है वही मूवी है उसमें एजेंट जो होती है आलिया भट्ट जो होती है वो रो के एजेंट होती हैं और अपने देश के लिए किस तरीके से वो कुर्बानियां देती हैं किस तरीके से अपने परिवार को त्यागती है वो सारी की सारी चीजें दिखाई जाती हैं तो ये भारत की विदेश नीति में परिवर्तित होने वाले यथार्थवादी तत्वों को दिखाता है इससे भारत में इस तरीके के यथार्थवादी तत्व विदेश नीति में नहीं थे और यही नहीं इसके साथ साथ एक और भी बदलाव हुआ हमें यह महसूस हुआ कि विदेशी देश जो है ना अगर भारत की सीमा पर हमला कर सकते हैं तो भारत के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं औद्योगिक जो संस्थान हैं और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उन पर भी हमला कर सकते हैं इसलिए हमने एक और बल उसका गठन किया जिसको हम बोलते हैं सी आई एस एफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका भी गठन किया ताकि वो उनके लिए सुरक्षा जो है वो प्रदान करे तो ये एक ऐसा काम था जो उन्नीस के युद्ध के बाद से भारत की विदेश नीति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को दिखाता है भारत की सेना के आधुनिकीकरण और विदेशों में भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए की गई कुछ प्रमुख किए गए कुछ प्रमुख प्रयास थे अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका ने क्या किया उन्नीस के वर्ष में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ अमेरिका हर जगह मिलेगा आज बहुत अच्छा दोस्त है आज तो हमारा इतना खासम खास दोस्त है लेकिन उस समय ऐसा दोस्त नहीं होता था 1965 में क्या हुआ 1965 के बाद अमेरिका ने भारत के लिए हथियार निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया पूरे विश्व को चेतावनी दे दी कि भारत को कोई हथियार नहीं बेचेगा उसके पीछे आप लोग यार अमेरिका को ऐसा क्यों हुआ ये क्या कारण हुआ अमेरिका की? एक तो पहली चीज तो वो पाकिस्तान का दोस्त था उसका रीजन क्या था कि पाकिस्तान की जरूरत उसको थी सोवियत संघ को घेरने के लिए दूसरा कारण यह था कि 1965 का जो युद्ध पाकिस्तान ने लड़ा था वो इन्हीं अमेरिकी हथियारों के साथ लड़ा था अमेरिका के टैंक होते थे उस समय पेंटन टैंक बोलते थे उनको और उनके बारे में कहा जाता था कि वो टैंक अभेद हैं उनको कोई खत्म नहीं कर सकता इसीलिए तो पाकिस्तान भी उछल रहा था कि अरे हमारे पास तो टैंक है अमेरिका के दिए हुए हमने उन टैंकों के चिथड़े उड़ा दिए थे अमेरिका ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया कि पूरे विश्व में हमारे हथियारों को इस तरीके से वो बर्बादी हुई और हमारी छवि उस तरीके से पता चली कि पेंटन टैंक जो है वो वैसे नहीं है कि खत्म नहीं किए जा सकते तिल मिलाया हुआ था पाकिस्तान की हार में से सबसे ज्यादा तिल मिलाहट अगर किसी को हुई तो अमेरिका को हुई क्योंकि अमेरिका की फंडिंग और हथियारों पर पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा था तब उसको बदला तो निकालना था दादागिरी चलानी थी उसने दादागिरी चलाते हुए क्या किया कि भारत के बोला कोई भारत को हथियार नहीं देगा आज भी वो करता है अमेरिका और चीन इसी तरीके से करते हैं अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए इस तरीके के प्रतिबंध जो है वो लगाते हैं जैसे अभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए आर्थिक प्रतिबंध की कोई उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा व्यापार करेगा तो हमारे प्रतिबंध झेलेगा ऐसे ही भारत के साथ की अब लेकिन क्योंकि भारत यथार्थवादी नीति की तरफ चल चुका था और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में आ चुकी थी तो इंदिरा गांधी को यह चीज समझ में आ गई कि अमेरिका की इस दादागिरी को रोकना है तो हमें सोवियत संघ के साथ होना जरूरी है सोवियत संघ को अपने साथ रखना जरूरी है उनके साथ मित्रता और अधिक बढ़ाने की जरूरत है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका की काट हमें नहीं मिल पाएगी और हम हर मामले में पिछड़ते चले जाएंगे और उसी दौरान 1970 इकहत्तर का ही दस के दौरान में 1970 71 की जब हम बात करते हैं 1970 और 71 की जब हम बात करते हैं तो उस समय हमारे पड़ोस में बड़ी खतरनाक परिस्थितियां बनने लगी खतरनाक परिस्थितियां किस तरीके से बनने लगी समझिए इसको मैं समझाता हूं और उसने हमारी विदेश नीति को पूर्ण रूप से बदल करके रख दिया एकदम पूर्ण रूप से बदल दिया क्या हुआ कि हमारे विदेश पड़ोस में जो दुश्मन थे एक तो था पाकिस्तान ये हमारा दुश्मन था ठीक है एक था चीन ये हमारा दुश्मन था एक था अमेरिका यूएसए पाकिस्तान और चीन ये दोनों भारत के दुश्मन थे अमेरिका पाकिस्तान का क्या था दोस्त था इनकी दोस्ती थी अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की सोवियत संघ को घेरने के लिए प्रारंभिक जब चीन का गठन हुआ था चीन में जो क्रांति हुई थी साम्यवादी चीन बना था उस समय अमेरिका ने चीन को मान्यता नहीं दी थी उस समय चीन और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं थे खराब थे भारत के संबंध अच्छे थे चीन के साथ क्योंकि चीन जो है वो सोवियत संघ के गुट का था लेकिन 1970 का दशक आते आते चीन जो है यह चीज समझ चुका था साम्यवाद साम्यवाद में यही चीज थी कि साम्यवाद का केवल एक ही लीडर हो सकता है एक ही नेता हो सकता था चीन को यह चीज नजर आई कि जब तक सोवियत संघ रहेगा चीन कभी भी इस लीडर नहीं बन पाएगा उसको हमेशा सोवियत संघ के अधीन रहकर के या उसका सबोर्डिनेट अध करके कार्य करना पड़ेगा लेकिन चीन की साम्यवादी नीति अलग तरीके से थी वो तो पूरे विश्व में खुद को साम्यवादी नेता बनाना चाहते थे और अपना विस्तार और अधिक करना चाहते थे इसलिए चीन के संबंध जो हैं सोवियत संघ के साथ थोड़े से दूरी के होने लगे अब सोवियत संघ को भी कंट्रोल में लाना है और सोवियत संघ को कमजोर करना है और चीन को मजबूत बनना है तो चीन को उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी एक ऐसे व्यक्ति की जो सोवियत संघ का दुश्मन हो और सोवियत संघ का दुश्मन कौन था यह था अमेरिका दोनों विरोधी विचारधारा साम्यवादी पूंजीवादी एक दूसरे की कट्टर विरोधी विचारधाराएं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट चीन के बदले इन दोनों के बीच करीबी आनी शुरू हुई और यह करीबी लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने इन दोनों की क्या है मित्रता कराई इन दोनों की दोस्ती कराई अब इनकी भी दोस्ती हो गई इनकी भी दोस्ती हो गई और भारत के तीन सबसे कट्टर दुश्मन तीन ही दुश्मन थे तीनों कट्टर दुश्मन और भारत को करने की का इरादा रखने वाले दुश्मन एक साथ आ गए, और इन तीनों का एक त्रिगुट बनने लगा त्रिगुट बनने लगा 1970 सौ इकहत्तर की हम बात कर रहे हैं उस समय इस समय इंदिरा गांधी की विदेश नीति के आप देखोगे बहुत ऐसा काम इन्होंने किया कि आप प्रशंसा करे बिना नहीं रहेंगे या उनके कायल हो जाएंगे कि यार क्या बात है क्या दिमाग लगाया कई बार लोग बोलते हैं ना कि महिला नेता देश नहीं चला सकते महिला राजनीति में नहीं चला सकते उन सबके ऊपर उन सबके मुंह के ऊपर करारा जवाब जो है करारा थप्पड़ मारने वाले जो महिला हैं वो इंदिरा गांधी हैं जितना सशक्त नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया जितनी सशक्त विदेश नीति यथार्थवादी विदेश नीति उन्होंने रखी उतनी उस तरीके के जो काम है आज के काल में नरेंद्र मोदी के काल में ही दिखाई देते हैं वैसे नहीं देखने को मिलता कभी भी इंदिरा गांधी ये चीज समझ गई थी कि ये इन तीनों का एक साथ होना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसी दौरान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान उन दोनों के बीच में भी विवाद हो रहा था पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था आजादी के समय पाकिस्तान का कोई एक हिस्सा नहीं पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान होता था मैं आपको मैप से दिखाता हूं अभी आ मैप के उपर, तो आपको हम बात करते न, 1971 की, तो ये जो पाकिस्तान इधर देख रहे हैं और इधर आप बांग्लादेश देख रहे हैं उन्नीस से पहले बांग्लादेश नहीं था उन्नीस से पहले इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान क्या कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान और ये वाला जो पाकिस्तान है इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान इन दोनों के संबंध भी बिगड़े हुए थे पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता को लेकर के संघर्ष करना प्रारंभ कर चुका था अपना अलग देश बनाने की डिमांड बांग्लादेश बनाने की डिमांड चल रही थी पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ किए बड़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में शरणार्थी भारत में घुसे जब इतने बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में घुसे तो ये समस्या पाकिस्तान की समस्या ना होकर के भारत की समस्या भी बन गई भारत इन परिस्थितियों से जूझ रहा था भारत को यह दिख रहा था कि अड़ोस पड़ोस में मामला जो है बिगड़ रहा है अब ऐसे में चीन पाकिस्तान और अमेरिका इन तीनों का गठजोड़ हो गया ये कश्मीर को लेकर के भारत पर कुछ भी करने के लिए तैयार होता है इसका सपना ही यह है कि ये भारत के लद्दाख सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में मिला ले और अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए यानी सोवियत संघ को रोकने के लिए पाकिस्तान की कुछ भी मदद कर सकता है इंदिरा गांधी यह चीज भाप गई थी तो इसीलिए इससे पहले कि वो पाकिस्तान के इस मामले में इंटरफेयर करती उन्होंने बड़ी ही समझदारी दिखाते हुए 1971 में उन्नीस में उन्होंने एक संधि की एक संधि की इस संधि को बोला जाता है भारत सोवियत संघ संधि सोवियत संघ की मित्रता संधि इसको बोलते हैं मित्रता संधि दोस्ती की संधि क्योंकि इंदिरा गांधी को यह दिख गया था कि अगर हम पाकिस्तान वाले मामले में अगर कूदेंगे तो तुरंत पाकिस्तान चीन और अमेरिका तीनों मिलकर के भारत पर हमला करेंगे और इस समस्या को सुलझाना भी जरूरी था तो इसके लिए हमारे सामने एक मजबूत मित्र होना आवश्यक था तो उस समय पहली बार भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को एक तरीके से त्याग करके सोवियत संघ के साथ संधि की हालांकि भारत ने यह कहा कि ये हमने गुट निरपेक्षता को त्यागा नहीं है अभी भी हम गुट गुटनिरपेक्ष बने हुए क्योंकि हमने सोवियत संघ के साथ कोई सैनिक संधि नहीं की सैन्य गठबंधन नहीं किया जैसे कि अमेरिका का नाटो सोवियत संघ का वारसा पैक्ट ये थे इन्होंने कहा ये तो हमारी पीसफुल ट्रीटी है मित्रता की संधि है लेकिन विश्व तो समझ ही गया था कि यह मित्रता की नहीं यह स्पष्ट तौर पर भारत और सोवियत संघ का एक गठजोड़ है और जैसे ही भारत और सोवियत संघ के साथ हमने ट्रीटी की साइन की किया पाकिस्तान के इस मामले में हमने प्रेशर बनाना शुरू किया पाकिस्तान ने हम पर हमला किया हमने पाकिस्तान पे हमला करा दिया हमला किया पाकिस्तान को युद्ध में मोह की खानी पड़ी और बधाई हो बांग्लादेश पैदा हुआ है इस तरीके की खबरें पूरे विश्व में फैलने लगी यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था ये अब बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान का दो हिस्से हो गए विभाजन हो गया और ये अब आप कहोगे सर इसमें यथार्थवादिता के तत्व क्या थे पहला तो यही तत्व था कि इंदिरा गांधी ने परिस्थितियां भापते हुए सोवियत संघ के साथ मित्रता की उसका फायदा क्या मिला उसका फायदा यह मिला कि आप ये देखोगे भारत के नीचे है हिंद महासागर हिंद महासागर में एक जगह है डिएगो गार्सिया के ऊपर अमेरिका ने अपना सैनिक अड्डा बना रखा है और भी अमेरिका वहां पर गश्त लगाता रहता था अमेरिका के पास परमाणु शक्ति थी और ऐसे युद्धपोत थे जो परमाणु हथियारों को कहीं से भी कहीं पर ले जाकर के लॉन्च कर सकते थे 1971 के युद्ध में अमेरिका जो है पाकिस्तान की मदद के लिए हिंद महासागर के अंदर तक आ गया था अपने परमाणु हथियारों के साथ उसका इरादा स्पष्ट था कि वो पाकिस्तान के समर्थन में भारत के ऊपर परमाणु हमला करने आ रहा है भारत को निस्तनाबूत कर देता अब यहां पर यथार्थवादी तत्व जो हैं वो देखने को आते हैं क्योंकि भारत ने संधि कर ली थी सोवियत संघ के साथ तो सोवियत संघ ने यहां पर सोवियत संघ ने जो है इन्होंने धमकी दी अमेरिका को कि अमेरिका तुम जहां हो वहीं पर रुक जाओ इस घोषणा के बाद अगर एक नोटिकल मील भी एक नोटिकल माइल भी तुम समुद्र में आ गए आए तो सोवियत संघ जो है इसको इस मामले में भारत के समर्थन में कूद पड़ेगा और वो भारत की तरफ से परमाणु हमला करने में हिचकेगा नहीं और यह युद्ध भारत पाकिस्तान का युद्ध ना होकर के तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा अमेरिका सोवियत संघ का युद्ध शुरू हो जाएगा अब अमेरिका इतना भी मजबूत नहीं था कि वो सोवियत संघ के साथ सीधा युद्ध लड़ सके वो भी परमाणु युद्ध क्योंकि उसको पता था परमाणु युद्ध होगा तो अमेरिका भी तबाह सोवियत संघ भी तबाह इसलिए अमेरिका को चुपचाप बिना कुछ करे उल्टे पैर लौट करके वापस जाना पड़ा ये हमारी विदेश नीति की कामयाबी थी पहली कामयाबी विदेश नीति की इतने बड़े स्तर पर कि हमने हमारे दो दुश्मन चीन और अमेरिका को बिना इनको कुछ भी बोले हमने अपने से दूर रखा अपने मामले से दूर रखने में कामयाब हो गए चीन और अमेरिका ने कोशिश तो की इन्वॉल्व होने की लेकिन दोनों इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो पाए उसका रीजन अमेरिका को धमकी दी किसने सोवियत संघ ने और सोवियत संघ ने ऐसा क्यों किया क्योंकि शांति की मित्रता की संधि हमने कर ली थी इंदिरा गांधी ने जो उन्नीस में संधि की थी तो इसको कहा जाता है यथार्थवादी नीति दूर की कोड़ी सोचना और यहां से भारत की विदेश नीति एकदम परिवर्तित होती हुई चली जाती है अब हम बहुत हद तक यथार्थवादित नीतियों को अपनाते हुए चलते हैं तो यह आपने एक बदलाव देखा यहां तक का मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा समझ में आया कि नहीं अगर समझ में आया तो बताइए जरा हाउस द जोस कैसा जोश कैसा जोश ये देखिए मैप से समझ में आएगा आपको आप सब लोगों का आंसर आना चाहिए हाई सर हाई सर, सर का आंसर आपको आना चाहिए ये देखिए यहां पर मैप देखिए ये उस समय का मैप है जब भारत और सोवियत संघ की बात करें ना तो ये लाल लाल रंग जो देख रहे हैं ये सोवियत संघ है उस समय मध्य एशिया जो है जो कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये जो है ये देश नहीं बने थे ये 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बने थे उस समय सोवियत संघ इतना बड़ा था और भारत के बिल्कुल ऊपर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ उसकी सीमा जो है आप देखोगे आ, वहां पर लगती थी हालांकि उस समय पाकिस्तान का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के अक्साई वो जो ऊपर वाला जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था उसके ऊपर उसने कब्जा जमा रखा था तो ऐसे में अमेरिका को इसकी जरूरत थी इसकी पाकिस्तान की कि कभी जरूरत पड़े तो सोवियत संघ पर यहां से हमला कर सके इस चक्कर में वो भारत का दुश्मन बन गया था ठीक है और चीन भी बिल्कुल बगल में ही सोवियत संघ के था तो ऐसे में चीन की दोस्ती अमेरिका के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई लेकिन भारत के लिए तो दुश्मन हो गए दोनों इसीलिए उस संधि ने भारत के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया कई विचारकों ने कहा कि भारत अब गुटों में शामिल हो गया गुट निरपेक्षता को त्याग दिया है तो भारत ने हालांकि इन सब चीजों को किनारे रखा और बोला कि जिसको जो बोलना है बोल लो हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए हमने तो मित्रता की संधि की थी हमने तो कोई सैनिक संधि नहीं की यह मामला था बांग्लादेश का उदय होता है भारत आजाद करा देता है एक तरीके से कहा जाए तो और बांग्लादेश के इस उदय के कारण पूरे विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्ति को मान्यता मिलती है कई बार युद्ध के माध्यम से भी विदेश नीति का संचालन किया जाता है भारत को जो स्वीकृति जो मान्यता जो रिकॉग्निशन इससे पहले नहीं मिलता था सब लोग थे, थे सभी देश सो, सोचते थे कि ये तो कमजोर सा राष्ट्र है पिद्दी राष्ट्र है क्या करेगा इनके अंदर तो इतनी खुद ही आ, इतनी समस्याएं हैं जब बांग्लादेश का उदय हुआ पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इस मामले में अमेरिका और चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को खूब हथियार दिए खूब पैसा दिया कोई फर्क नहीं पड़ा वो हार गए तो उस समय पूरे विश्व के स्तर पर यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत अब कोई ऐसा वैसा पिद्दी देश नहीं है कमजोर देश नहीं है अब भारत भी एक मजबूत देश बन चुका है जो बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी चुप करा सकता है तो यह हमारी विदेश नीति की कामयाबी थी हमारी छवि जो है वो परिवर्तित होती भी चली गई अब यही नहीं उन्नीस में हमने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की परमाणु हथियारों की जो नीति थी आपको याद है जवाहरलाल नेहरू परमाणु हथियारों का विरोध करते थे और भारत में परमाणु बम बनाने के खिलाफ में थे वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहते थे हाँ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा परमाणु शक्ति के प्रयोग का समर्थन करते थे लेकिन परमाणु हथियारों के लिए नहीं करते थे संपूर्ण परमाणु हथियारों के विनाश की बात करते थे पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करते थे लेकिन हमारी जो बाद की जो विदेश नीति थी उनके बाद वो वास्तविकता में परिवर्तित हुई वो यथार्थवादी प्रवृत्ति परिवर्तित हुई किस तरीके से बड़े ध्यान से समझना एक संधि हुई जिसको बोलते हैं एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि 1960 के दशक में हुई उस संधि के माध्यम से जो पांच महाशक्तियां थी कौन सी पांच महाशक्तियां उनको समझ लीजिए एक जो था अमेरिका यूएसए दूसरा जो था वो सोवियत संघ तीसरा जो देश था वो था ब्रिटेन चौथा जो देश था फ्रांस और पांचवा जो देश था चीन यही दादा थे विश्व के यही डोन थे यही सबसे ज्यादा हरियाणा में बोलते कुबद्दी वालक यानी कि शरारती तत्व तो ये शरारती थे इन्हीं के कारण वैश्विक शांति को खतरा था इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाते समय इन्हीं पांचों को ही स्थाई सुरक्षा, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी दी गई थी ये क्या एक नया आइडिया लेकर के आते हैं नया आइडिया क्या लेकर के आते हैं ये बोलते कि पूरे विश्व में परमाणु हथियारों का विरोध हो रहा है अच्छी भी बात थी भारत तो खुलकर के विरोध कर रहा था कि पूर्ण परमाणु हथियारों का समूल विनाश होना चाहिए भारत की विदेश नीति में यह फैक्टर प्रमुख था कि हम कोई भी संधि सम्मेलन समझौता होता यूएन के अंदर जाते तो हम परमाणु हथियारों की नष्ट करने की बात करते थे पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करते थे ऐसे देशों के साथ मिलकर के अच्छे संबंध कायम करते थे जो पूर्ण निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे इस समय इन्होंने एक नया उपाय निकाला कि एक काम करते परमाणु हथियारों की जो ये होड़ बढ़ रही है ना इससे विश्व को बड़ा खतरा है विश्व समाप्त हो सकता है तो परमाणु हथियारों को कम करना रोकना जरूरी है तो क्या करते हैं हम आज के बाद इस संधि के बाद किसी भी तरीके के परमाणु परीक्षण उन परमाणु परीक्षणों के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं अब जिन देशों ने पहले परमाणु परीक्षण कर लिए वो तो कर लिए अब कोई नया देश नहीं कर पाएगा बहुत सारे देशों ने साइन भी किए हस्ताक्षर भी किए क्योंकि बात तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है कि और परमाणु की परमाणु हथियारों की होड़ जो है वो उसे समाप्त हो जाएगी बढ़ेगी नहीं युद्ध का अखाड़ा नहीं बनेगा लेकिन अब यहां पर भारत की विदेश नीति जो है वो उसकी यथार्थवादिता झलकती है उसकी वास्तविकता अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को सोचने समझ करके सही नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लेने की क्षमता भी यहां पर दिखाई देती है हमने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया हमने इस पर साइन नहीं किए उसका कारण क्या रहा उसका कारण ऐसा मत समझ लेना कि आप लोग की अभी तो सर आप बोल रहे थे कि हम परमाणु हथियारों के विनाश की बात करते हैं उनको खत्म करने की बात करते हैं यूएनओ में भी बात कर रहे थे और अब हम जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात की जा रही है उस संधि पर हम साइन नहीं कर रहे भारत ने इस संधि के बारे में इसके खिलाफ आवाज उठाई भारत ने बोला कि भाई ये क्या बात हुई तुम पांचों के पास तो परमाणु बम तुम तो परमाणु बम रखो ठीक है तुम्हारा जब मन में आए जिसके ऊपर परमाणु बम डालना चाहो डाल दो बाकी देशों को तुम कह रहे हो कि तुम बाकी कोई और परमाणु बम नहीं बनाएगा तो तो ये तो स्पष्ट तौर पर एक तरीके से तुम यू कह दो ना कि तुम पूरे विश्व को ये पांचों देश तुम मिलकर के गुलाम बनाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी जिसके ऊपर मर्जी आएगी तुम तो परमाणु बम गिरा दोगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है वो तो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा फिर क्या करेगा भारत ने ये कहा कि ये संधि जो है भेदभावपूर्ण है हमारी विदेश नीति ऐसी भेदभावपूर्ण ऐसी अन्यायपूर्ण संधियों के ऊपर हस्ताक्षर करने या उसको मान्यता देने की अनुमति नहीं देती है हमारी विदेश नीति ये बोलती है कि या तो सब लोग पूरे विश्व में सभी देश बराबर हैं अगर बराबर हैं तो ये भी बराबर हैं अगर परमाणु हथियार समाप्त होंगे तो सबके समाप्त होंगे केवल नए देशों के नहीं जिन्होंने पहले बना रखा है ये भी समाप्त करें तो समूल विनाश करें फिर उसके बाद बोले कि हां अब परमाणु परीक्षण कोई नहीं करेगा और भारत की इस बात को विश्व के बहुत सारे देशों ने माना बहुत सारे देशों को यह चीज भारत के बताने के बाद समझ में आई कि ये कितना बड़ा खेल खेल रहे थे और उसके बाद भारत की विदेश नीति की कामयाबी माना जाता है इस चीज को कि पूरे विश्व के देश भारत के बहुत सारे देश भारत के समर्थन में आ गए और भारत की विदेश नीति की यथार्थवादिता भी थी चतुराई चातुर्य भी था इसके अंदर चातुर्य चतुराई क्या थी वो ये थी कि चीन के पास परमाणु बम था भारत के बिल्कुल ऊपर भारत का दुश्मन और उन्नीस में कुछ ही वर्षो पहले उसने हम पर हमला करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र हथियार लिया था अब ऐसे में इसके पास परमाणु बम हो और हमारे पास ना हो यह हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था तो ऐसे में एक तो भेदभावपूर्ण तो था वो तो टॉपिक तो हमने उठाया ही वो मुद्दा तो हमने उठाया ही दूसरा इसके पीछे हमारे राष्ट्रीय हित भी थे कि यह संधि हम कुछ समय के लिए टाल दें या इस संधि पर हम हस्ताक्षर ना करें हमें पॉइंट अच्छा मिला था उस की भेदभावपूर्ण है उसके ऊपर हम खेले उसी के ऊपर हमने चर्चा भी की लेकिन वास्तविक जो राष्ट्रीय हित था जो नेशनल इंटरेस्ट था वो ये था कि चीन के पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी होना चाहिए अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं होगा तो चीन कभी भी हम पर हमला कर देगा और अगर हमने इस संधि पर साइन कर दिए तो तब तो मान लीजिए कि फिर तो हमने अपनी सुरक्षा से समझौता कर लिया अब तो चीन जब मर्जी आएगा अमेरिका जब मर्जी आएगा भारत पर हमला कर लेगा कब तक सोवियत संघ से बस, के साथ मिलकर के बसते रहोगे तो हमारे असली वास्तविक हित ये थे हमारी यथार्थवादी विदेश नीति का मूल, मूल उद्देश्य यही था कि संधि पर अभी हम साइन नहीं करते हैं और हमने नहीं किए और फिर हमने क्या किया 1974 में 1974 में हमने पोखरण वन जिसको बोलते हैं परमाणु परीक्षण किया और वो परमाणु परीक्षण हुआ उसके बाद ये तिल मिला गए ये सारे के सारे पांचों महाराष्ट्र जो महाशक्ति हैं ये महासे हैं और इनमें सबसे ज्यादा तिल मिलाया चीन और ये बोलने लगा कि देखो हम तो पहले ही बोलते थे भारत की तो नियत में ही खोट है भारत ने इस संधि पर साइन ही इसलिए नहीं किया क्योंकि परमाणु बम बना रहा था और परमाणु बम बना लेता तो ये अगर साइन कर देता तो परमाणु बम नहीं बना पाता भारत के ऊपर कई सारे प्रतिबंध भी लगाए भारत ने स्वीकार किया इंदिरा गांधी उस समय देश के नेता थी सशक्त एकदम आयरन लेडी बोले तो कोई बात नहीं भाई आने दो देख लेंगे चीजों को। 1974 तो तो में जो हमारा परमाणु परीक्षण था ये हमारी विदेश नीति की कामयाबी थी आंतरिक मामला तो है ही हमारी रिसर्च हमारी उद्योग हमारी प्रौद्योगिकी का विकास टेक्नोलॉजी का विकास उसको तो दर्शाता ही है लेकिन ये हमारी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उन्नीस तो का युद्ध पहली कामयाबी जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ और उन्नीस का पोखरण परमाणु परीक्षण दूसरी कामयाबी हमारी विदेश नीति की कि हमने विश्व में ये ये रुझान बनाया बनाया झुकाव देशों में कि संधि भेदभावपूर्ण है और परमाणु परीक्षण करने के बाद भी ये केवल महाशक्तियां तिल मिलाई जो बाकी के देश थे ना वो देश भारत के समर्थन में थे सपोर्ट में थे ये भी हमारी विदेश नीति की कामयाबी थी क्योंकि उनको हम ये समझाने में कामयाब हो गए उन देशों के साथ कि भाई हमने परमाणु बम इसलिए ये बनाया है कि चीन हमारे सर पर है कभी ये हम पर हमला ना कर दे अब हमारे पास परमाणु बम है तो हम चीन को प्रतिसंतुलित कर सकते हैं इसलिए तो बाकी विश्व के देशों ने इस चीज को समझा ये हमारी विदेश नीति की दूसरी कामयाबी थी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के काल में तो इसको बोला जाता है यथार्थवादी नीति ये चीज जो है यहां भारत की सुरक्षा एवं शक्ति पर यहां पर जो है बल दिया गया पूर्ण रूप से और यही नहीं सोवियत संघ से हमने बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीदारी भी शुरू करी अमेरिका और पश्चिम का विरोध करना भी हमने शुरू किया इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद का प्रभावी विकास हुआ अब यथार्थवाद का प्रभावी विकास हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि आदर्शवात्मक तत्वों को हमने पूर्ण रूप से त्याग दिया हमने उसकी मात्रा में थोड़ी सी कमी ला दी परंतु इस परिवर्तन के बावजूद भारतीय विदेश नीति में आदर्शवादी तत्व निरंतर बने रहे क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखा और साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी विरोधी नीति को आगे बढ़ाया सेम वही चीजें जो जवाहरलाल नेहरू ने ने चलाई थी उन्हीं को ही इंदिरा गांधी ने भी आगे किया लेकिन उनकी कम कर दी रियलिस्टिक जो थी यथार्थवादी था उसको ज्यादा कर लिया परमाणु बम भी बना लिया हथियार भी ले लिए सिक्योरिटी एजेंसी भी खड़ी कर दी कई सारी कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी खड़े कर दिए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा मानते हुए हमारे देश की सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा मानते हुए उसके लिए कार्य किया लेकिन आदर्शवादी तत्व भी मौजूद रहे क्योंकि गुट निरपेक्षता को पूर्णता नहीं त्यागा आज उस समय भी हम पश्चिमी सभ्यता के अत्याचारों को भूले नहीं थे उनके खिलाफ तीसरे विश्व को नेतृत्व प्रदान किया साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध हम लगातार करते रहे अब यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं बड़े ध्यान से समझना प्रश्न तो कई सारे बन सकते हैं लेकिन ये दो मैं बताऊंगा तो इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं पहला क्वेश्चन प्रश्न विदेश नीति में आदर्शवादी तत्वों का अधिक समावेशन राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल असर डालता है भारत की विदेश नीति के संदर्भ में उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए इस तरीके से सवाल दे दिया जाएगा अब आपको बेसिकली इसमें यही बताना है जो, जो बेसिकली इसमें पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू का एक और एग्जाम्पल देना है वो भी हमारी विदेश नीति का ही हिस्सा था जो कश्मीर का मामला था जम्मू कश्मीर का मामला था वो जम्मू कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना वो भी हमारी विदेश नीति का हिस्सा था आदर्शात्मक तत्व था जो कि आज तक सुलझ नहीं पाया वो भारी भूल ऐतिहासिक भूल उसको कहा जाता है इन के के कारण हमने भारत कश्मीर के, के एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर से अपना कब्जा गंवा दिया पाकिस्तान ने एक पर कब्जा कर लिया कुछ पर चीन ने कब्जा कर लिया आपको याद है ना पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर हमला किया तो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए भारत ने सेनाएं भेजी पाकिस्तान के कबाइलियों और सेनाओं को हम खदेड़ते चले जा रहे थे उनके अंदर की तरफ देश के में हम कुछ ही दिन अगर युद्ध और होता तो हम पाकिस्तान के सभी कबायली और उनके सेनाओं को पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर तक खदेड़ाते लेकिन उसी समय जवाहरलाल नेहरू माउंट बेटन ब्रिटेन और अमेरिका की बातों में सलाह में मशवरे में या प्रेशर में कहें तो आ गए कि उन्होंने कहा कि भाई जब तुम्हारे पास ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय के लिए तो तुम युद्ध क्यों लड़ रहे हो इतना पैसा अपने जनता के ऊपर लगाओ जवाहरलाल नेहरू की भी यही आदर्शात्मक उस समय सोच थी कि यार पैसा युद्ध में लगाने की बजाय हम जनता के विकास के लिए लगाए उनको शिक्षा दें स्वास्थ्य दें उनको रोजगार दें देश का विकास करें जबकि हमारे पास तो सबूत है ही कि राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया है तो हम यूएनओ में ले जाते हैं विदेश नीति का आदर्शात्मक तत्व वो विदेश उस मामले को यूएनओ में लेकर के गए और उसके बाद से इस मामले का कोई समाधान नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका पलट गए अपनी बातों से भारत का समर्थन करने की बजाय पाकिस्तान के सपोर्ट में हो लिए वहां पर हम समझने में भूल कर गए वो हमारी विदेश नीति की पहली भूल थी चीन के साथ जो हुआ वो हमारी दूसरी भूल थी इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला ले जाना हमारी पहली भूल थी तो ये दो जो हमने नुकसान हुए ये आदर्शात्मक तत्वों के कारण झेले इन दोनों कहानियों को इन दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देना है और फिर बताना है कि अगर व्यवहारिक अगर व्यवहारवादी नीति अपनाई जाती तो हम किस तरीके के कार्य करते है ना वो आपको समझा देना है एक और सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति में आदर्शात्मक से यथार्थवादिता में रूपांतरण एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से हुआ टिप्पणी करें या आलोचनात्मक विवरण करें या एक व्याख्यात्मक लेख लिखे इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो हमने अचीवमेंट्स हासिल की वहां तक की चीजों को आपको की पॉइंट्स में बताना है जो क्लास में जिंदा थे वो लोग इन चीजों को बता देंगे और जो क्लास में सोना बाबू जानू टीना मीना है ना इना मीना डिक्का इस तरीके से लगे हुए हैं तो उनका एग्जाम में भी मीना डिक्का होगा सोना बाबू जानू एग्जाम में भी वही याद आएंगे वहां पर एग्जाम में याद नहीं आएंगे एग्जाम में फिर मम्मी पापा भगवान ईश्वर वो याद आएंगे है ना हे भगवान मैं पढ़ाई कर लेता तो क्या कर हो जाता हे भगवान मैं पढ़ाई कर लेती है ना तो एग्जाम निकल जाता क्लास में जिंदा रहना जरूरी है तो जोश बताएंगे हाउस द जोश जोश कैसा है हाउस द जोश एक हाई सर का आंसर आना चाहिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक है जी अब अगले पर आ जाते हैं अगले चरण पर जब जनता पार्टी का शासन आता है जनता पार्टी के शासन पर आने के लिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे दोस्त हैं आप वो अगर कभी भी कभी भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले जब मनो जब भी लेना चाहे तो फीस में डिस्काउंट के लिए एक रेफरल कोड होता है इस रेफरल कोड का नाम है एल वाई एल आई E। इसको लगाना मेरे दोस्त इसको लगाएंगे आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी वन ऑन वन गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक गाइड करूंगा किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा फोन कॉल हो वीडियो कॉल हो पर्सनली मिलकर के हो हर तरीके से गाइड करूंगा आपको मेरे से बात करनी है मेरी टीम से बात करनी है के के सब्सक्रिप्शन बारे में जानना है या आपको गाइडेंस चाहिए केवल तो भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो कॉल कर सकते हो मेरी टीम को बोलना वो आपकी बात मेरे से करवा देगी ठीक है मेरा नंबर अब मुद्दा है कि कहां मिलेगा तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है ललित यादव की पाठशाला फिर से बोलता हूं यादव की पाठशाला अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अगर वहां ना मिले टेलीग्राम पर तो इंस्टा पे आ जाना ललित यादव की पाठशाला सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो आपको हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता चलेगा पर्सनली भी जुड़ोगे और हमारी टीम की डिटेल्स भी मिल जाएंगी उनसे बात कर पाओगे उनके माध्यम से मेरे से बात कर पाओगे फोन कॉल, कॉल, वीडियो दोनों आ मेरी तरफ से। बात आपको कर लेंगे। और फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है उस टेलीग्राम चैनल पर आपको सब मिल जाएगा चलिए अब आ जाते हैं जनता पार्टी के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है किस कोड से लेंगे कहीं से भी कॉल आए कुछ भी बोले कोड यही लगाना क्योंकि पर्सनल गाइडेंस एक टीचर की गाइडेंस का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कोई भी विकल्प नहीं है और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा चलिए जी अब आ जाते जनता पार्टी की अब इंदिरा गांधी का कार्यकाल एक सशक्त कार्यकाल था उस समय उस सशक्त कार्यकाल के साथ साथ जब भी कोई एक व्यक्ति जब इतना ज्यादा सुपर पावरफुल होने लग जाता है ना विदेशों में भी छाप देश में भी बहुत ज्यादा प्रभाव तो ऐसे में उसके अंदर ताना साह प्रकार के गुण आने की संभावनाएं है रहती हैं ऐसा ही कुछ इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ आयरन लेडी थी तो तानाशाही प्रवृत्ति भी विकसित हुई 1975 में भारत में आंतरिक आधार पर आपातकाल लगाया आंतरिक परिस्थितियां थी कुछ उस आपातकाल के बारे में मैं आपके लिए अलग से स्पेशल क्लास लेकर बड़े ध्यान से उसको भी मैं कराऊंगा फ्री हैंड क्लास जैसे आपके लिए केशवानंद भारती केस की क्लास लाने वालों कल वो भी देखना आप सभी तो आपातकाल समाप्त होता है भारत में आपातकाल समाप्त होने के बाद इलेक्शन कराए जाते हैं और आजादी के बाद से अब तक पहली बार केंद्र के स्तर पर भारत में सत्ता का परिवर्तन होता है पार्टी के हिसाब से पहले इलेक्शन से लेकर के 1977 तक भारत में केंद्र में कांग्रेस के, पार्टी का दबदबा था ना केवल केंद्र में बल्कि सभी राज्यों में अगर कुछ दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़ दिया जाए केरल और तमिलनाडु वहां पर जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां उस समय उभर चुकी थी बाकी सब जगह कांग्रेस का दबदबा होता था 1977 का इलेक्शन होता है जनता पार्टी के गठबंधन में बड़ी संख्या में कई सारी पार्टियां मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं आपातकाल का दौर था आपातकाल की अत्याचारों को जनता को याद है क्योंकि आपातकाल में इंदिरा गांधी ने ना केवल अपनी विरोधियों को जेल में ठूसा ना केवल विरोधियों के ऊपर गैरकानूनी कार्रवाई की बल्कि जनता के ऊपर भी अत्याचारी कोशिश की खास करके उनकी जो नीतियां थी नसबंदी की नीतियां परिवार नियोजन की नीतियां जनसंख्या को कम करने की नीतियां जिसमें पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती पुरुषों की नसबंदी कर दी गई ऐसे ऐसे पुरुषों की भी जिनकी शादी भी नहीं हुई थी जिनका विवाह भी नहीं हुआ था जिनके बच्चे भी नहीं हुए थे उनकी भी नसबंदियां कर दी गई थी ऐसी चीजें ना भारत के लोग सहन नहीं कर सकते हैं। तो लोगों में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध की भावना थी 1977 का इलेक्शन होता है जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कांग्रेस की हार हो जाती है और जनता पार्टी के गठबंधन में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है केंद्र में और मोरारजी देसाई जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हालांकि एक दौर ऐसा था उन्नीस 1969 से पहले उन्नीस में जब कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले मोरारजी देसाई भी कांग्रेस के ही हिस्सा थे कांग्रेस के ही मेंबर थे बड़े ही सशक्त नेता थे और यह कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री से पहले मोरारजी देसाई को भारत का पीएम बनना था जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लेकिन के कामराज की चालबाजी के कारण वो नहीं बन पाए और ये भी कहा जाता है कि उन्नीस सौ सड़सठ में आ, आ, क्या नाम है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्नीस में जब उनकी मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी भारत की उनसे पहले मोरारजी देसाई का नंबर आता था उनका हक बनता था लेकिन वहां पर भी क्योंकि उस समय भी कामराज थे और भी वो नहीं पसंद करते थे तो उस दौरान में भी मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और उन्नीस में नाइनटीन में कांग्रेस का विभाजन होता है उस विभाजन के माध्यम से मुरारजी देसाई कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो इंदिरा गांधी और मुरारजी देसाई के बीच की जो ये कड़वाहट है टकराव है ये कांग्रेस के दौर से ही चल रहा था जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से ही चल रहा था इन दोनों में विवाद क्योंकि इंदिरा गांधी के कारण मुरारजी देसाई दो बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए एक हाँ ये एक वो चीजें रही बहरहाल उन चीजों के ऊपर बाद में आपको मैं समझाऊंगा बड़े डिटेल से कि आपातकाल की किस तरीके की घटनाएं हुई थी अब मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री अब मोरारजी देसाई विदेश नीति में एकदम अलग तरीके की अप्रोच लेकर के आते हैं इंदिरा गांधी के काल में सोवियत संघ के साथ दोस्ती की मोरारजी देसाई जो है वो थोड़ा सा समर्थक थे पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था के लिए वो चाहते थे कि हम अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाए ठीक है हम अभी तक झुकाव रखे हुए हैं सोवियत संघ के साथ लेकिन हमें उतना ही झुकाव अमेरिका के साथ भी रखना चाहिए ये जनता पार्टी की विदेश नीति का एक हिस्सा था और इसी के लिए विदेश नीति को संतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ संबंध बनाने जरूरी थे और इसका परिणाम ये भी रहा कि 1978 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय जिमी कार्टर वो भारत की यात्रा पर आए इससे पहले उन्नीस में लगभग 19 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आइजन हावर होते थे वो भारत की यात्रा पर आए थे 19-20 साल के इस दौर के बाद इतने लंबे अंतराल के बाद कोई महाशक्ति का राष्ट्रपति भारत आया वो ये दिखाता है कि उस दौरान वो जो दो दशक का समय था संबंध अच्छे नहीं थे कट्टर संबंध थे इसीलिए दुश्मनी के संबंध थे इसलिए वो नहीं आए आइजन भारत में आए आ बाद जिमी कार्टर भारत में में आए और इसके बाद खुद मोरारजी देसाई वो भी अमेरिका की यात्रा पर गए में और एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई देने लग रहा था कि भारत और अमेरिका मित्र हो जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से भारत की विदेश नीति का संचालन हो रहा था सोवियत संघ को दरकर दरकिनार नहीं किया गया था उसके साथ जैसे रिश्ते थे वो रखे गए लेकिन उनके साथ ही अमेरिका के साथ और गहरे घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए इस तरीके के प्रयास हुए अब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया उसका मतलब यही था कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं दोनों देशों की तरफ से दिल धड़कने की एक सुख बुघाट सी वो एक कहते हैं ना पहली चीजें दिखने लग गई जब आपको किसी से मिलना होता है दो लोगों का दिल धड़कता है तो दो लोग एक दूसरे के लिए अगर मिलते हैं बातचीत करने के लिए तैयार हैं इसका मतलब दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने के लिए तैयार है ऐसी ही चीजें थी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है उस प्रॉब्लम पर जाने से पहले एक और हमारा जो दुश्मन था चीन उस चीन के साथ भी हमने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश यहां पर की मोरारजी देसाई की सरकार ने और उस टाइम मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें विदेश मंत्री होते थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही सम्मानित नेता बहुत ही प्रख मुखर व्यक्तित्व वाले चमत्कारी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी जिनको बोला जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी को बोला जाता है वो उस समय विदेश मंत्री होते थे कैरियर शुरू हो रहा था राजनीति में नए नए पैर अच्छे तरीके से जमा करके अपना बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे वो चीन गए चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए लेकिन उसी दौरान चीन और वियतनाम के बीच में आपस में कुछ अनबन हुई आक्रमण हुआ तो उसके तुरंत बाद चीन से वो लोट आए चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार करने का जो प्रयास था वो प्रयास असफल रहा अब जब हम अमेरिका के साथ यूएसए के साथ हम अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे अभी हमने पहल की ही थी कोशिश की ही थी कि उन्नीस में 1979 में सोवियत संघ ने जो क्या क्या भारत के इस पड़ोस में यहां पर एक देश है जिसको हम बोलते अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर यहां पर आपको अफगानिस्तान मिलेगा ये लाल लाल रंग का है मैं इसको व्हाइट कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यहां पर बिल्कुल पड़ोस में जो है ये है अफगानिस्तान ये वाला जो क्षेत्र है ना ये वाला क्षेत्र जो आपको यहां पर व्हाइट दिख रहा है लाल लाल और इनके बीच में ये वाला क्षेत्र था अफगानिस्तान अब सोवियत संघ क्योंकि साम्यवादी देश था तो वो भी विस्तारवादी नीति अपनाता था वो तो शुरुआत से ही विस्तारवादी अपने पड़ोसियों के ऊपर हक जमाने की नीति अपनाता ही आया था तो उसने क्या किया यहां पर अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया अफगानिस्तान में सैन्य हमला कर दिया अब अफगानिस्तान में यूएसएसआर के हमले से यह चीज स्पष्ट हो गई कि सोवियत संघ ने शीत युद्ध के समय का जो एक दौर था जिसको हम बोलते दीतांत उस दीतांत का उल्लंघन किया है उस समय दीतांत चल रहा था दितान्त मतलब जो शीत युद्ध है उसको शीत युद्ध को हम अलग अलग चरणों में बांटते हैं कोल्ड वॉर को मैंने बहुत डिटेल से समझाया है ट्वेल्थ क्लास की एनसीआरटी में फिर से समझा देता हूं शीत युद्ध जो था उस शीत युद्ध को हम कुछ चरणों में बांटते हैं तो सबसे पहला तो जो पहला चरण जो होता है ना वो चरण होता है 1945 से लेकर के उन्नीस दूसरा चरण जो होता है ना वो दूसरा चरण जो है वो उन्नीस से उन्नीस तक का चरण होता है जिसको हम दितांत बोलते हैं ठीक है और तीसरा चरण जो है वो उनासी uh, से लेकर के उन्नीस तक चलता है जिसको हम दूसरा शीत युद्ध बोलते हैं ठीक जिस ये तीसरा चरण था तीसरा चरण जिसको हम बोलते हैं शीत युद्ध नव शीत युद्ध ये कहा जाता है और उन्नीस में शीत युद्ध का अंत हो जाता है ठीक है दितांत का मतलब यह था कि उस समय शीत युद्ध में कमी आ रखी थी सोवियत संघ और अमेरिका ने यह निश्चय किया ये निर्धारित किया कि हम कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन से दूर रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार नहीं करेंगे एक दूसरे को कमजोर करने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे ठीक ठाक अच्छे संबंध बना करके रखेंगे यानी कि शांति का समय एक तरीके से था और हम कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि वैश्विक शांति भंग हो इस तरीके का दौर था दितांत उसको बोलते हैं उन्नीस सौ में सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो यह दितांत का उल्लंघन था अमेरिका इसी चीज का इंतजार कर रहा था अब आप कहोगे आपको यह सब कुछ देखने पर सोवियत संघ के अफगानिस्तान हमले पर देखने पर सोवियत संघ आपको वो दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा गलत इसने काम किया लेकिन यह चीज ध्यान रखिए अमेरिका इस दितांत के काल में बहुत कमजोर होता चला जा रहा था उसके हथियारों की डिमांड कम हो गई थी अमेरिका के अंदर जिस की मोनोपोली थी तकनीक की की विश्व विश्व के स्तर पर अब विश्व में और भी कई सारे देश उभर कर के आ गए थे जो इस तरीके की क्षमता रखते थे ऐसी तकनीक रखते थे जो अमेरिका के पास थी और उससे भी सस्ते दाम पर उससे बेहतर तकनीक उपलब्ध कराने लग गए तो अमेरिका के पास अपने विकास के लिए एक ही रास्ता बचता था कि जिस मामले में उसका कोई टक्कर में नहीं है वो उद्योग उसका खूब फले फुले और वो था हथियार प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका महाशक्ति नहीं था प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने खूब हथियार बेचे उस हथियारों के दम पर वो महाशक्ति बनकर के निकल करके आया दूसरे विश्व युद्ध में उसने परमाणु बम गिराया तो सुपर पावर बन करके उभरा तो उसके हथियार जो है बहुत उन्नत किस्म के और एडवांस टाइप के थे पूरे विश्व में डिमांड थी लेकिन अब क्योंकि दितांत का समय चल रहा है किसी का डर नहीं है शांति का माहौल है तो उसके हथियार कौन खरीदेगा और अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम में और काफी सारी चीजों में खूब पैसा लगा दिया था कि उसको अपने अब आर्थिक स्थिति डगमगाती दिख रही थी और उसको चाहिए था कि एक बार फिर से उसका आर्थिक पुनरुत्थान हो वो इसी मौके की तलाश में था कि सोवियत संघ कुछ भी हरकत करे और वो इस दितांत की अवस्था से बाहर निकल जाए और अमेरिका एक बार फिर से अपने हथियारों के ऊपर आ जाए अब हमला तो अमेरिका सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर किया लेकिन आग लगी अमेरिका को अमेरिका ने कहा कि सोवियत संघ ने को उल्लंघन किया हम शीत युद्ध दोबारा से शुरू करते हैं हम दितांत से बाहर निकलते हैं और हम एक बार फिर से सोवियत संघ के किसी भी कार्रवाई का कट्टर खूब खुलकर के विरोध करते हैं और अब अमेरिका ने विश्व को डराना शुरू किया फिर से डराना शुरू किया कि देखो 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 सोवियत संघ को देखो अपने पड़ोसी देश पर हमला करके कब्जा कर लिया उसके आसपास के जो पड़ोसी देश है तुम भी सुन लो ये ऐसे ही करता है तुम पर भी हमला कर लेगा तुम पर भी कब्जा कर लेगा इससे पहले कि तुम पर हमला करे तुम पर कब्जा करे अपनी सेना को मजबूत करो हथियारों को मजबूत करो खूब अत्याधुनिक हथियार लो तुम्हारे पास नहीं है घबराओ मत हम देंगे हमसे खरीदो उसने डर दिखाया और वो डर कामयाब भी रहा क्योंकि सोवियत संघ ने हमला कर दिया था अफगानिस्तान पर तो सब लोग डर गए थे बाकी आसपास के कि हम पर भी ना कर दे क्योंकि नीति तो विस्तारवादी थी ही यूएसएसआर की तो अमेरिका का जो आर्म इंडस्ट्री थी हथियारों के जो वो था वो एक बार फिर से चल पड़ा और अमेरिका को फिर से बहुत मोटी कमाई होने लगी फिर से वो अर्थव्यवस्था जो है ढर्रे पर आ गई फिर से बहुत सारा पैसा एक साथ उसके पास आ गया तो ऐसे में इस समय क्योंकि इसको सोवियत संघ का डर दिखाना था और सोवियत संघ को घेरना था 1979 में और नाइन उससे एक साल पहले जिमी कार्टर भारत आए थे भारत के प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई वो अमेरिका गए थे संबंध अच्छे बनने की कोशिश ही की जा रही थी कि यह घटना हो गई और इसके बाद अमेरिका को जरूरत पड़ी पाकिस्तान की सोवियत संघ के इस हस्तक्षेप के विरोध में अमेरिका ने पाकिस्तान का प्रयोग लाइन राज्य के रूप में किया अमेरिका एवं पाकिस्तान की बढ़ती मित्रता के कारण भारत एवं अमेरिकी संबंधों में लगातार दूरी बनती चली गई फ्रंट लाइन रनर मतलब आप ये देखिए नीला नीला रंग का जो दिख रहा है ये पाकिस्तान दिखेगा। ये पाकिस्तान पाकिस्तान दिखेगा है अब एक बार फिर से क्योंकि शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था सोवियत संघ को कमजोर करना था तो ऐसे में सोवियत संघ की आसपास पास की सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसना जरूरी था जहां से वो जरूरत पड़ने पर सोवियत संघ पर मिसाइल भी दाग सके परमाणु हमला भी कर सके वो जगह थी वो पाकिस्तान थी पाकिस्तान था पाकिस्तान ही इस तरीके की जगह इस तरीके की चीजें दे सकता था अमेरिका को बाकी कोई भी देश अपने देश में घुसने नहीं देता तो भारत के साथ जो संबंध बनने शुरू हुए थे वो संबंध खत्म हो गए क्योंकि उसको पाकिस्तान चाहिए था और अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेगा तो भारत के साथ दोस्ती नहीं हो सकती स्पष्ट तौर पर क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की मदद इसी शर्त पर कर सकता था कि वो भारत का विरोध करे कश्मीर पाकिस्तान का सपना होता था इस तरीके से बचपन से सपना है पैदा हुए तब से सपना है ठीक है तो कश्मीर को लेकर के साथ गठजोड़ बनाने के लिए तैयार थे कि हाँ ठीक है तुम कश्मीर मामले में हमारा सपोर्ट करो और हम तुम्हें अपना यहां पर इस्तेमाल करने देंगे आओ और जो करना है कर लो ठीक है सोवियत संघ के साथ अमेरिका पाकिस्तान के संबंध अच्छे थे नहीं इसलिए पाकिस्तान की कीमत पर भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती की गई ये देख रहे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है ये वैश्विक परिघटनाएं हैं, विश्व में जिस तरीके की घटनाएं घट गट रही हैं, ये वो सारी की सारी चीजें हैं हम अच्छे संबंध बनाना चाह रहे हैं लेकिन वैश्विक घटनाओं के कारण हमारी विदेश नीति परिवर्तित हुई ये भी ध्यान रखने आंतरिक घटनाओं से तो आपकी विदेश नीति परिवर्तित होती है अगर सत्ता का परिवर्तन होता है तो विदेश नीति में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है लेकिन वैश्विक घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण क्षेत्रीय वातावरण के कारण भी विदेश नीति बदल जाती है अमेरिका की विदेश नीति जो बदली वो इसका स्पष्ट उदाहरण था भारत ने अच्छी कोशिश की भारत की विदेश नीति कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने आज्ञा नहीं दी इसलिए अतः शासन के परिवर्तन के बावजूद भारतीय विदेश नीति में कोई आमूल चोल परिवर्तन नहीं हुआ मतलब वैसा ही चलता रहा जिस तरीके से इंदिरा गांधी की विदेश नीति चलती आ रही थी कोशिश की गई चीन के साथ अमेरिका के साथ लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई तो जनता पार्टी के कार्यकाल में विदेश नीति इसी तरीके से थी कोई कामयाबी उसमें कुछ खास अचीवमेंट जो है वो नहीं थी अब मुद्दा आता है 1980 का अगले चरण पर अब जनता पार्टी की सरकार थी गठबंधन की सरकार थी किसी एक पार्टी के पास फुल बहुमत था नहीं गठबंधन के घटक दलों ने अपने अपने हाथ खींच लिए सरकार गिर गई मुरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा कुछ समय तक एक अल्पमत की सरकार भी रही एक ऐसे व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री बने जो कि जिनके पास बहुमत नहीं था अल्पमत में होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने रहे कुछ समय तक जब तक कि इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं आ गई कौन वो व्यक्ति थे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है ये हिस्ट्री के बारे में भारत के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में वो लिख करके बताइए क्या नाम है उस व्यक्ति का जो अल्पमत में होने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री बने रहे उनका सपना साकार हो गया एक तरीके से वो चाहते थे सपना बनाए रखने का ठीक है कमेंट बॉक्स में बताना और जितने भी मेरे दोस्त हैं अगर नहीं समझ में आ रहा हो नहीं पता चल रहा हो तो वीडियो खत्म होने के बाद इंटरनेट से सर्च करना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है जी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना 1980 में उस समय 77 और 79 के दौरान में गठबंधन की सरकार थी गठबंधन की सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाई ना जी गलत है आप सारे ही जो भी बोल रहे हैं कोई विराजीव गांधी बोल रहे हैं कोई गुलजारी लाल नंदा बोल रहे हैं कोई मोलांकर बोल रहे हैं कोई अटल बिहारी बोल रहे हैं गलत है भाई गलत है क्या यार हद है आप आप लोग मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये छोटी मोटी चीजें जो है ना वो हमेशा पता होनी चाहिए आप लोगों को इनके कार्यकाल ये तो सारे के सारे पता होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे किस किस समय रहे क्या क्या रहे ये आपको पता होना चाहिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह नाम याद रखिए चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1979 में मोरारजी देसाई के बाद बिना बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री थे कुछ समय के लिए उन्होंने अपना स्वप्न जो है सपना जो है वो पूरा किया ठीक है इंदिरा गांधी उस समय गठबंधन की सरकार थी ढंग से काम नहीं कर पाई गरीबी बढ़ती चली जा रही थी एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी ऐसा हो गया था जिसमें भारत विरोध उठ गया था अमेरिका पाकिस्तान का मित्र बन चुका था उस समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ इस तरीके के नारे का प्रमुखता से प्रचार किया अपनी गलतियों के लिए जनता से भारत की जनता से माफी मांगी गठबंधन की सरकार के अवगुणों को जनता को दिखाया पूरे भारत में जा जाकर के प्रसार किया प्रचार किया लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मेल मिल करके गठबंधन की सरकार से भारत की जनता भी असंतुष्ट थी और कुछ ही साल में दो अलग अलग प्रधानमंत्री देख लेने से जनता को ये संदेश गया ये मैसेज गया कि यार ये वाली पार्टी गठबंधन वाली सरकारें जो है ये भारत का शासन नहीं चला सकती इसके कारण भारत में परेशानी होगी इसके लिए तो कोई एक सशक्त लीडर चाहिए जिसको अनुभव हो और जो देश को एकता के सूत्र में पिरो करके रख सके उन्नीस के इलेक्शन में इंदिरा गांधी खूब धूमधाम से बहुमत के साथ भारत की एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उनकी हत्या मृत्यु ना बल्कि हत्या नहीं हो कर दी जाती तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहते हैं अब इन्होंने इस समय देश के आर्थिक विकास पर थोड़ा सा जो है ना बल दिया आर्थिक विकास पर बल देने के लिए सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध जो जनता पार्टी के दौर में थोड़े से कमजोर हो गए थे उनको दोबारा से जीवित किया और इस बार और गहरे स्तर पर और ज्यादा आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की गई तो विदेश नीति का संचालन एक बार फिर से उसी ढर्रे पर होने लगा जिस ढर्रे पर इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में प्रारंभ किया था और सोवियत संघ एक बार फिर से प्रमुख रूप से भारत का साथी जो है वो यहां पर बन गया इसके साथ साथ उस समय तक इंदिरा गांधी यह चीज समझ चुकी थी कि भारत जो है वो तब तक विकास नहीं कर सकता भारत के हित तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि भारत के आसपास का क्षेत्र जो है वो महाशक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त ना हो जाए क्योंकि उस समय तक दक्षिण एशिया महाशक्तियों के युद्ध का अखाड़ा बन चुका था क्योंकि महाशक्तियों के हस्तक्षेप यानी अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेद के कारण पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान अमेरिका का पिछलगू बन गया था और अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग दे रहा था पैसा दे रहा था जिससे भारत की सिक्योरिटी को बहुत खतरा था और केवल वही नहीं इसके साथ साथ जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उस हिंद महासागर में महाशक्तियां युद्ध करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने सैनिक अड्डे बनाने लग रहे थे चीन भी उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था सोवियत संघ भी कोशिश कर रहा था अमेरिका ने डिएगो गार्सियो डिएगो गार्सियो नाम की एक जगह है हिंद महासागर आप मैप देखेंगे तो मैप तो यहां पर अभी है नहीं अगली बाद में दिखाऊंगा मैप में मैं आपको बिल्कुल भारत के नीचे की तरफ जाओगे ना तो वहां पर एक जगह वहां पर उसने अपना सैनिक अड्डा बना लिया था तो भारत इस क्षेत्र को मुक्त रखना चाहता था तो हमारी विदेश नीति में अब यह परिवर्तन हुआ कि हमने हमारी विदेश नीति के तहत इन चीजों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया इन बातों को उठाना शुरू किया कि भाई हमारे क्षेत्रीय वातावरण में महाशक्तियां एंटर ना करें हमारी सीमाओं में हमारे ऐसे क्षेत्र में वहां पर महाशक्तियां हस्तक्षेप ना करें और महाशक्तियों के कारण इस क्षेत्र की शांति जो है वो भंग हो रही है इन मुद्दों को हमने उठाना शुरू किया इंदिरा गांधी के इस कार्यकाल में अमेरिका का विरोध एक बार फिर से शुरू हुआ एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग जो है वो होने लगी दक्षिण एशिया के अंदर आप देखोगे इन सारे समीकरणों में इंदिरा गांधी इससे पहले की और आगे चीजों को लेकर के चलती उसी समय उन्नीस में उनकी हत्या कर दी गई इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो ऐसे में उनके जो पुत्र थे राजीव गांधी उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है राजीव गांधी के काल में भारत की विदेश नीति में एक और नए तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है जो परिवर्तन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नहीं था इंदिरा गांधी की नीति आपको स्पष्ट तौर पर आप समझ गए किस तरीके से यथार्थवादी नीति थी उस यथार्थवादी नीति को और ज्यादा यथार्थवादी राजीव गांधी ने बनाया किस तरीके से बनाया समझिए उसका रीजन भी था कि राजीव गांधी जो है विदेश में पढ़े हुए थे विदेशी तकनीक उन्होंने देखा था उस विदेशी तकनीक के प्रयोग से कितने चमत्कार हो सकते हैं देश का विकास हो सकता है उससे वो परिचित थे हालांकि इनको प्रधानमंत्री बनना नहीं था लेकिन संयोग कुछ ऐसा हुआ कि ये प्रधानमंत्री बन गए इनसे पहले अगर मुख्य रूप से आप देखें ना तो इंदिरा गांधी के जो दो पुत्र थे राजीव गांधी और संजय गांधी तो जो संजय गांधी थे उनका इंटरेस्ट सत्ता में था राजनीति में था उनकी भी हत्या हुई थी उसके पीछे बहुत सारी हैं उनके ऊपर नहीं जाएंगे और यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी से भी ज्यादा सशक्त ताना सा संजय गांधी थे अगर संजय गांधी के हाथ में सत्ता रहती तो वो एक और नए ताना सा यहां पर जन्म दे सकते थे और बहुत सारी थ्योरीज उसके बारे में उसको नहीं बात करते हैं तो ऐसे में राजीव गांधी एक विकल्प के रूप में निकल करके आए जो सबको एक साथ लेकर के चल सकते थे क्योंकि कांग्रेस की पार्टी जो है वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने वाली थी कांग्रेस पार्टी किस तरीके की पार्टी थी किस तरीके से इसका उभार हुआ इसके बारे में ट्वेल्थ क्लास की जो एनसीआर उसमें मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूं सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व एक दल का प्रभुत्व का दौर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेस का विस्तार हुआ कैसी किस तरीके से वो सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी थी राजीव गांधी बनते भारत के प्रधानमंत्री और जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत में आपने जो एलपीजी की पॉलिसीज़ देखी है ना वैश्वीकरण उदारीकरण निजीकरण जो हम मानते हैं कि 1992 में हमने अपनाया इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी जो बैकग्राउंड था कोई भी चेंज जो है ना एक झटके से नहीं आता है इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड राजीव गांधी के कार्यकाल से बनना शुरू हो गया था क्योंकि इस कार्यकाल से हमने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया था और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत हमने तकनीकी और आर्थिक विकास पर बल दिया अब तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करना जरूरी था उदारीकरण मतलब आप तकनीकी विकास आर्थिक विकास कैसे करोगे जब कोई दूसरा देश आपको मदद करेगा आपके देश में निवेश करेगा तकनीक देगा वो तभी देगा ना जब आप उनके साथ अच्छे संबंध बनाओगे और हमारे संबंध तो इस समय तक केवल सोवियत संघ और उन्हीं देशों के साथ थे जो एक तरीके से संरक्षित रखे हुए थे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को रखने में विश्वास रखते थे पश्चिम के देश जो हैं वो उदारीकृत वैश्विक उदारीकृत अर्थव्यवस्थाओं का वो करते थे कि भैया उसमें जो अच्छा होगा वो जीतेगा किसी को संरक्षण नहीं देना जिसके पास क्वालिटी होगी जिसके पास अच्छी चीजें होंगी वो उसमें आगे बढ़ेगा तो उदारीकरण करने का भी इन्होंने प्रयास किया और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की हालांकि उतनी ज्यादा मुखर कोशिश नहीं थी लेकिन कोशिश की गई और उसका रीजन यह था कि अमेरिका में कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज गति से विकास करते हुए चले गए थे ईमेल वगैरह कंप्यूटर वगैरह कंप्यूटर के कारण जटिल से जटिल गणनाएं बड़े आसानी से हो जाती थी उस टाइम का कंप्यूटर आज के टाइम के कंप्यूटर जैसा नहीं होता था बड़ा ही टफ था उस दौर का कंप्यूटर अगर आज के समय में आपको यूज करने के लिए दे जाए ना आप माथा पकड़ करके बैठ जाओगे हे राम ये क्या हो गया जैसे पहले अगर कोई दोस्त मेरे हैं 2010 से पहले अगर वो इंटरनेट यूज करते होंगे मोबाइल में यूज करते होंगे तो उस समय नोकिया के मोबाइल होते थे चाइनीज मोबाइल चलते थे बड़े बड़े स्पीकर वाले टू होता था और वीडियो अगर कोई देख रहे हैं ना तो वीडियो देखते देखते जैसे मान लीजिए एक वीडियो है पांच मिनट का एक गाना है ठीक है एक दिन तेरी राहों में बाहों में ख्यालों में आऊंगा एक दिन तेरा हो जाऊंगा ये लाइन है तो जैसे गाना चलेगा ना एक दिन तेरी राहों में फिर गोल गोल घूमेगा ढूंढ ढूंढू हम इंतजार कर रहे हैं एक दिन तेरी राहों में वो गोल 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 बफरिंग हो रहा है बफरिंग हो रहा है बफरिंग हो रहा है कई देर के बाद बफरिंग रुकेगा फिर चलेगा राहों में ख्यालों में आऊंगा फिर एक बार फिर से बफरिंग घू से ठीक है ये ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपने देखी होगी तो हालांकि तकनीक उतनी ज्यादा नहीं थी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन थी जिनके लिए शुरुआत हो रही थी एकदम बिल्कुल प्रारंभ में हो रही थी तो उस समय जो कंप्यूटर थे ना वो बड़े स्लो होते थे ठक 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 इस तरीके से आवाज आती थी आप ज्यादा काम नहीं कर सकते थे लेकिन जितना भी काम कर सकते थे वो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था बहुत बेहतरीन था तो कंप्यूटर भारत में आया उन्होंने अमेरिका से तकनीकी विशेषकर कंप्यूटर तकनीकी और जापान के ऑटोमोबाइल उद्योग को भारत में लाने का प्रयत्न किया और ये इन्हीं की ही कामयाबी थी कि भारत में कंप्यूटर आ पाया ये ध्यान रखना है भारत में कंप्यूटर आज जो ये तकनीक देख रहे हैं ना ये सारा कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है आप सभी लोग जो यहां पर क्लास देख पा रहे हैं चीजें कर पा रहे हैं ये सारी चीजें कंप्यूटर का ही योगदान है और ये कंप्यूटर लाने का जो श्रेय है वो इनको जाता है राजीव गांधी को इन्होंने विदेश नीति अमेरिका के साथ और दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए इस तरीके से संचालित की कि उन्होंने हमें तकनीक दी आपने कंपनी का नाम सुना होगा हीरो होंडा आपने नाम सुना होगा हीरो होंडा देश की धड़कन है जवा दिलों की धड़कन इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते थे और बाइक चलती थी हीरो होंडा की आजकल तो वो अलग हो गया हीरो अलग हो गया होंडा अलग हो गया तो जो होंडा है ना वो होंडा वो जापान की कंपनी थी तो जापान ने भारत की कंपनी के साथ मिलकर के भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति लाए आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति भी यह जो क्रांति आई ना इस क्रांति को लाने के लिए जापान से जो ऑटोमोबाइल उद्योग भारत से तकनीक और उस उद्योग को भारत में लाने के लिए राजीव गांधी का प्रयत्न वो सराहनीय था तो हमारी विदेश नीति के तहत हमने अब अलग अलग, अलग उभरती महाशक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और राजीव गांधी के कार्यकाल में एक और बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियों में बदलाव आता जा रहा था सोवियत संघ जो कि हमारा करीबी मित्र था और अमेरिका का धुर दुश्मन था उन्नीस के बाद से जब वहां पर गोरबा चेव वहां के प्रमुख रहे तो गोरबा चेव के नेतृत्व में कई गोरबा चोफ भी बोलते हैं कोई गोरबा चेव भी बोलते हैं गोरबा चेव भी बोलते हैं आप जो भी नाम बोलना चाहें बोल सकते हैं उन्होंने वहां पर दो अलग नीतियां अपनाई उनको बोला जाता है पेरेस्त्रोइका और ग्लास नोस्त। अगर सोवियत संघ की भाषा में बोला जाए वो बोलना भी अजीब साधन पेरेस्ट्रोईका है पेरेस्त्रोइका पेरेस्त्रोइका और ग्लास और इसका मतलब था खुलेपन की नीतियां यानी कि जो साम्यवादी जो संरक्षणवाद था उसको समाप्त करके उन्होंने पूंजीवाद को अपनाया कि आओ व्यापार करो पश्चिमी सभ्यता को अपनाओ अपना लिया पश्चिमी सभ्यता के विचारों को पढ़ो स्टडी करो जानो तो खुद सोवियत संघ अपनी विचारधारा से विचारधारा से डगमगा गया था वहां पर आर्थिक सुधार होने लग रहे थे और उन आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप उन उथल पुथल वाले समय में सोवियत संघ कमजोर होता चला जा रहा था और यह महसूस किया जा रहा था कि सोवियत संघ अमेरिका के ही ढर्रे पर चलना स्टार्ट कर रहा है तो उस समय राजीव गांधी की विदेश नीति की यथार्थवादिता थी कि उन्होंने इस चीज को भापा इस चीज को पहचान लिया कि अब अमेरिका के साथ संबंध बनाने अच्छे हैं जरूरी हैं क्योंकि अमेरिका के साथ संबंध बनाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे देश में जो एलपीजी जो उदारीकरण वैश्वीकरण, निजीकरण की जो पृष्ठभूमि थी जो नींव थी वो नींव रखी गई राजीव गांधी के कार्यकाल में इनकी विदेश नीति में और उस समय हमारी मजबूरी नहीं थी बल्कि हमने अपनी मर्जी से वैश्वीकरण को अपनाया अपने अपनी मर्जी से दूसरे मजबूत देशों के साथ संबंध बनाए ताकि उनसे तकनीक मिल सके और कंप्यूटर भी हम लेकर के आ गए तो यह रहा इनका कार्यकाल और इन्होंने चीन की भी यात्रा की चीन की यात्रा करके उसको सुलझाने की कोशिश की और भारत की विदेश नीति में पहली बार एक नई चीज चीन को लेकर के उत्पन्न हुई राजीव गांधी ने यह कहा कि भाई भारत और चीन बिल्कुल पड़ोस में चीन उभरती हुई महाशक्ति है चीन के जो सामान है वो भारत के मार्केट में भारतीय लोगों के काम आ सकते हैं भारत के विकास में चीन का योगदान हो सकता है अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो भारत और चीन को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा लेकिन भारत और चीन में मुद्दा था सीमा रेखा को लेकर के अक्साई चीन को लेकर के जिसके ऊपर उसने कब्जा कर रखा है और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र जिस पर वो दावा करता था तो राजीव गांधी ने एक नया रास्ता निकाला अपनी विदेश नीति में एक नया तत्व जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो सीमा विवाद है वो एक जटिल मुद्दा है चीन और भारत का वो एक झटके में नहीं सुलझ सकता ना ही एक दूसरे से नाराज होकर के सुलझ सकता है उसको सुलझाने के लिए लगातार वार्ताएं करनी पड़ेंगी बातचीत करनी पड़ेगी संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे और धीरे धीरे जाकर के मामला सुलझेगा तो जब तक यह मामला सुलझता है क्यों ना हम अपने आर्थिक संबंध तो मजबूत बनाए हम अपना आर्थिक संबंधों को क्यों छोड़ रहे तो सीमा मामले को छोड़ करके उन्होंने कहा कि हम सीमा मामले पर एक अलग तरीके से वार्तालाप करेंगे अलग तरीके से विचार करेंगे लेकिन अन्य मामले जिसमें हम सहयोग कर सकते हैं उसमें हम सहयोगी के तौर पर कार्य करेंगे तो यहां से बड़ी संख्या में चीन के साथ हमारा व्यापार और बड़ा ठीक है संबंध अच्छे बनाने पर बल दिया गया हमारी विदेश नीति का झुकाव जो है अब चीन और अमेरिका और अन्य विकसित देश अन्य पूंजीवादी देशों की तरफ ज्यादा होने लगा ये कहा गया कि सीमा विवाद को चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में बाधा नहीं माना जाएगा ये वहां पर था ये देखिए आप मैप में देखेंगे ना यहां पर मैप में आपको देख जाएगा मुख्य रूप से ये यहां पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र रक्साई चीन का जिसके ऊपर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है हालांकि ये एक एरिया हमारा सिक्किम इसको भी वो अपने फाइव फिंगर पॉलिसी का हिस्सा मानता है 1975 में जब सिक्किम का संपूर्ण विलय भारत में हुआ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया उस समय चीन ने बड़ी मुश्किल से इसको मान्यता दी और आज भी अरुणाचल प्रदेश के काफी बड़े हिस्से के ऊपर वो चाहता है कि उसका दावा है तो इन रेखाओं इस सीमा विवाद को हमने दरकिनार कर दिया कि सीमा विवाद को हम बाद में देखेंगे पहले संबंध बनाते हैं जब हमारे संबंध अच्छे होंगे तो सीमा विवाद भी हम सुलझा लेंगे ये एक नया आयाम भारत की विदेश नीति में था और यह भी एक यथार्थवादी आयाम था क्योंकि भारत की विकास की आवश्यकताएं थी भारत को चीजों की जरूरत थी भारत को तेज गति से विकास के लिए चीन की जरूरत थी चीन को भी अपना सामान बेचने के लिए बाजार चाहिए था वो उसको भारत में मिल सकता था तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे तो वो चीजें यहां से प्रारंभ होती हैं, ठीक है थीके, अब आगे की 1990 के दशक अब क्या होता है कि 1990 के दशक के बाद से भारत की राजनीति में भारत की विदेश नीति में बहुत सारे परिवर्तन आए उन परिवर्तनों पर बढ़ने से पहले कुछ वैश्विक घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि इन वैश्विक घटनाओं के कारण भारत की विदेश नीति बहुत ज्यादा प्रभावित हुई एक तो उस समय में आप देखोगे राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई और राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में अब कोई ऐसा एक खुल करके इस तरीके का व्यक्तित्व नहीं था जो पूरे देश को नेतृत्व प्रदान कर सके तो 1990 के दशक में भारत में गठबंधन की सरकारें बनने लगी गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई यानी कि किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता था अलग अलग पार्टी अलग अलग दलों के पास सीटें बट जाती थी और सबको मिला जुला करके एक सरकार बनाई जानी होती थी अब यहां पर आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है जब भी किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होगा विदेश नीति का संचालन पूर्ण रूप से हाथ में चला जाएगा प्रधानमंत्री के पीएम के पास अगर गठबंधन उस मामले विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी जैसे कि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में था लेकिन जैसे ही गठबंधन की सरकारें बनेंगी

ये तो थी आंतरिक परिस्थितियां जो भारत में बदली ऐसे ही बाहरी स्तर पर वैश्विक स्तर पर भी परिवर्तन हुआ एक बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ जो दूसरा धुरी थी जो शीत युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ टक्कर दे रही थी वो खुद विघटित हो गई इसका विभाजन हो गया यह सोवियत संघ था अब यह विघटित होकर के अलग अलग गणराज्यों में मट गया जो मध्य एशिया के आप देश देश देखते ना जो भारत के बिल्कुल ऊपर हैं, वो सब पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे अब वो अलग अलग क्षेत्रों में बट गए और भी कई सारे अलग अलग गणराज्यों में समय के साथ साथ ये बनते चले गए जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है ठीक है ये 1989 में लिखा हुआ है गलत है 91 में है 1991 में है विघटन होता है सोवियत संघ जो है रूस जो है उसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है अब विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो जाता है कोल्ड वार जो है वो खत्म हो जाती है कोल्ड वार खत्म होते ही विश्व में केवल एक महाशक्ति बन जाती है एक दादा बन जाता है जिसका नाम होता है अमेरिका सोवियत संघ का दबदबा समाप्त सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था रूस वो रूस खुद उस समय कमजोर था इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था अब पूरे विश्व में जब एक ही व्यक्ति है एक ही दादा है एक का ही दबदबा है तो ऐसे में हमारे लिए ये मजबूरी हो गई कि हम हमारे संबंधों में उस दादा को भी इंक्लूड करें उसके साथ भी जुड़ें उसका कारण यह था कि हम सोवियत संघ पर इससे पहले जरूरत से ज्यादा निर्भर थे चाहे हथियारों के मामले में हो सोवियत संघ पर पूर्ण रूप से निर्भर थे चाहे आर्थिक विकास को लेकर के वो खाद्यान्न को लेकर के वो किसी भी चीज को लेकर के सोवियत संघ के ऊपर हम बहुत अगर हम कहें गहरी बहुत उन पर निर्भर थे और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया <laughs> सबसे बड़ा व्यापार द्विपक्षीय व्यापार पहले पहले संघ के साथ ही था 1990 से पहले भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार जो था वो सोवियत संघ के था अब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो भारत में आयात और निर्यात का संकट उत्पन्न हो जाता है क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तो समाप्त ही हो जाती है अब भारत को किससे मदद मिले इससे पहले पैसा चाहिए होता तो हम सोवियत संघ से ले लेते हथियार चाहिए सोवियत संघ से ले लेते कुछ भी चाहिए सोवियत संघ दे देता था अब सोवियत संघ ही नहीं है तो कौन देगा तो विकल्प ढूंढना पड़ेगा आपको तो विकल्प के तौर तो पर कौन था केवल अमेरिका एक ही देश बचा हुआ था तो हमारी विदेश नीति 1990 के दशक में इन दो कारकों से संचालित हुई एक तो भारत की आंतरिक राजनीति में जो उथल पुथल थी जो अस्थाई सरकारों का दौर था जो अस्थिर सरकारों का दौर था गठबंधन की सरकारों का दौर था जिसमें प्रधानमंत्री की भूमिका कम हो गई और दूसरा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ का विघटन हुआ हमारे सच्चे दोस्त जो है उसका विघटन हो गया इसके कारण विदेश नीति जो है परिवर्तित होती हुई चली जाती है अब 1990 के दशक में जो शीत युद्ध के बाद जो हमारी विदेश नीति है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं अब उन पर चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबसे जोश पूछना चाहूंगा है जोश हाउस द जोस मेरे दोस्तों जोश कैसे हाई है कि नहीं एक आंसर होना चाहिए हाई हाउ हाउस द जोस दिन रात नहीं देखते हैं यूपीएससी वाले एस्पिरेंट वो मेहनत करते हैं हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ ठीक है जी चलो अच्छा लगा आप लोगों का इतना हाईजोस है अभी भी बने हुए हैं उम्मीद कर रहा हूं मैं ये चीज कि आप लोग अभी तक की जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई है वो आप समझ गए होंगे दिमाग में फिट हो गई होंगी आपको चीजों के बारे में क्लैरिटी बनी होगी एक कहानी के तौर पर आप चीजें समझते हुए आए होंगे ठीक है अब यहां पर एक सवाल बन जाएगा सवाल यह बनेगा कि भारत की विदेश नीति में 1990 के दशक में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन आंतरिक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के जटिल मेलजोल के कारण उत्पन्न हुए उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए यह चीजें आपसे पूछ ली जाएगी तो आपको गठबंधन का काल सोवियत संघ का विघटन बताना होगा एक और सवाल पूछा जा सकता है कि एलपीजी की नीतियां अपनाने से 1990 के दशक में एलपीजी की नीतियां अपनाने के पीछे राजीव गांधी अपना या मिनट रुकिए सवाल दिया जा सकता है कि भारत की विदेश नीति 1990 के दशक की भारत की विदेश नीति में पूंजीवादी तत्वों की तरफ झुकाव राजीव गांधी के कार्यकाल में किए गए कुछ कार्यों की के माध्यम से प्रस्तावित दिखाई देते हैं यूं कह सकते हैं कि वो सुझाव वो झुकाव उन्नीस से पहले ही अपना स्थान लेना प्रारंभ कर चुका था तो उसमें बेसिकली आपको राजीव गांधी के कार्यकाल और उसमें जो नई वैश्वीकरण की चीजें हुई उसके बारे में बताना कि किस तरीके से भारत में वैश्वीकरण की जो है नींव पड़ी ग्लोबलाइजेशन की नींव पड़ी और जब ग्लोबलाइजेशन का हम जुड़ने लगे तो उदारीकरण और निजीकरण अपने आप उसी का ही एक फॉलोअप है एक प्रोसेस है अपने आप आता भारत में चला गया अब समझिए पहली बार भारत की विदेश नीति में एक बड़े स्तर पर गुणात्मक परिवर्तन हुआ जिसमें विदेश नीति टोटल पलट गई एकदम पलट गई जैसे वो एक मीम है ना जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हार पर एक पेन होता है वो कहता है ओ भाई मारो मुझे मारो

साम्यवाद समाजवादी होने समाजवादी होने के कारण साम्यवादी देशों के करीब थे अब हम पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो गए एक झटके में हमारे संबंध पूंजीवादी देशों के साथ करीबी के बनने लग गए और हमने हमारी अर्थव्यवस्था को भी सभी देशों के लिए खोल दिया ठीक है नेहरू द्वारा निर्मित समाजवाद और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति में परिवर्तन किया गया और विचारधारा के बजाय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता प्रदान की गई जिसे व्यवहारिक प्रेगमेटिक विदेश नीति भी कहा जाता है अब यहां से भारत की विदेश नीति में यथार्थवादिता का तत्व जो है वो अपने उच्चतम स्तर तक आ चुका था जो इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था आदर्शवाद से यथार्थवाद में परिवर्तन वो इस काल में अपने उच्चतम स्तर पर था और अब आदर्श आत्मक चीजों को ऑलमोस्ट लगभग लगभग बिल्कुल न्यूनतम स्तर तक ला चुके थे और उस समय भारत में प्रधानमंत्री होते नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री होते डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने भारत की आर्थिक नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया उदारीकरण की नीति अपनाई ठीक है अब ये क्यों हुआ क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद भारत भी 1990 के दशक में आर्थिक तंगी से गुजरा भुगतान संतुलन का संकट जो है वो हमारे सामने उत्पन्न हुआ अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस समय हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अपने न्यूनतम स्तर तक चला गया था कुछ ही दिनों का हमारे पास था ऐसे में भारत के सामने संकट आ गया था और भारत को पैसे की जरूरत थी रुपये चाहिए थे अब ये पीसे कहां से लाए है ना ओ भाई पीसो कहां से लाओ पीसो तो आती को नहीं? पीसो तो बैंक दे दो और ऐसा बैंक कौन था ऐसा बैंक था वर्ल्ड बैंक तो विश्व बैंक से हमने कर्जा लिया और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अगर आप कर्जा लेते हो तो वो एक चीज की कीमत पर आते हैं अपने आप से आपकी मदद के लिए नहीं उसके बदले में आपको कुछ चीजों में बदलाव करना पड़ता है अब सोवियत विश्व बैंक ने भारत को पैसा दिया अब पैसा देने के बाद वर्ल्ड बैंक से जब हमने पैसा लिया तो उसने हमारे अंदर हमारे देश के अंदर आर्थिक सुधारों की बात रखी शर्त रखी कंडीशन रखी कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़ेंगे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हमें एलपीजी का मॉडल अपनाना पड़ेगा वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण का यानी कि हमें अब सरकार की भूमिका को कम करना पड़ेगा उद्योग धंधों को भारत के मार्केट को खुला छोड़ देना पड़ेगा जिसमें कि विदेशी कंपनियां विदेशी देश भी आकर के यहां पर काम कर सके निवेश कर सके पैसा लगा सके प्रोडक्ट बेच सके सरकार को अपनी भूमिका सीमित करनी रहेगी एक झटके में भारत की आंतरिक व्यवस्था भारत की गवर्नेंस और भारत की विदेश नीति इन सब में परिवर्तन हो गया इससे पहले जब हर मामले में सरकार अपना अड़ंगा डालती थी संरक्षणवाद पे चल रहे थे अब वो संरक्षणवाद जो है वो खत्म होकर के बाजारवाद की तरफ बढ़ गया सरकार की भूमिका कम होती चली गई ऐसे ही विदेश नीति में भी हमने पूंजीवादी देशों के जो साथे संबंध और बेहतर करने शुरू किए और उनके साथ उनको इनवाइट किया उनको निवेश के लिए कि आओ हम आपको यहां पर एफ के तहत भारत में निवेश करने के लिए न्योता देते हैं वे वे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आई बड़े बड़े देशों ने भारत में निवेश किया व्यापार में अलग अलग चीजों में भारत में बड़ी संख्या में निवेश होने लगा और इस दौरान जब विदेशों से पैसा भारत में आ रहा है तो जो ये बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी इनके अंदर जो फंड था पैसा था वो कहां से आता था वो विकसित राष्ट्रों से आता था और उनमें भी सबसे ज्यादा फंडिंग इनको मिलती थी अमेरिका से तो इसका मतलब सीधा सा था कि पूरे विश्व में विश्व बैंक के माध्यम से जो भी सुधार किए जा रहे थे आर्थिक सुधार वो आर्थिक सुधार विश्व बैंक की ना होकर के अमेरिका के थे अमेरिका की नीति को दूसरे देशों पर थोपा जा रहा था हमारे लिए जरूरी था तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया और जब हमने उदारीकरण वैश्वीकरण निजीकरण अपना लिया तो बिना अमेरिका के ये चीजें कामयाब होना संभव नहीं थी तो अमेरिका के साथ संबंध अच्छे बनाने पर हमने इस दशक में बल दिया क्योंकि शीत युद्ध के बाद अब विश्व में एक ही महाशक्ति थी अमेरिका और अब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो अब अमेरिका को भी भारत से कोई गिला सिकवा दुश्मनी जैसी फीलिंग नहीं थी क्योंकि अब उसको पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि सोवियत संघ ही नहीं है तो पाकिस्तान का क्या करेगा अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान का यूज तो इसीलिए था ना कि सोवियत संघ को घेरने में वो उसकी मदद करे अब जो सोवियत संघ ही नहीं है तो उसके अब यूज नहीं है तो ये जो 10 साल का समय था ना 1990 से वर्ष 2000 तक का समय ये ऐसा समय था जिसमें अमेरिका ने अपनी मोनोपोली इंजॉय की पूरे विश्व में दादा बनकर के सहनशाह बनकर के भारत उसके करीब कदम बढ़ा रहा था अमेरिका देख रहा था अच्छा ऐसे वो उस तरीके के आशिक होते हैं ना जो कोई एक बहुत फेमस स्कूल कॉलेज में एक लड़का या लड़की हो सकते हैं और उसके आसपास कई सारे लोग मंडराते हैं और उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा भी होता है जो बहुत ही कहते ना कि उससे हम गंभीरता से मित्रता करना चाहता है जहां जाए वहीं आ जाता है मिलना चाहता है दोस्ती करना चाहता है और जो फेमस व्यक्ति है उसको पता जरूर है कि अच्छा वो मेरे देखो मेरे को देख रहा है देखो मेरे को देख रही है लंच करने गई थी लंच करने गया था वहां वहां पर पर भी वहाँ पर भी देख रहे थे वो मेरी बात कर रहे पता जरूर लेकिन भाव खाते हैं इग्नोर कर रहे होते हैं अभी देख लेते सोचेंगे बाद में अभी तो जरूरत है नहीं अभी तो हमारी हम वो है बहुत इग्नोर किया भारत को 1990 के दशक में अमेरिका ने एक तरीके से थोड़ा सा इग्नोर भी किया इग्नोरेंस सा भी फील कराया हालांकि भारत को जरूरत थी तो भारत लगातार निरंतर इस प्रयास में रहा कि वो अमेरिका के साथ मित्रता रखे लेकिन अमेरिका अपने सत्ती के दम्भ में था कुछ वर्षों तक तो वो बहुत ज्यादा घमंड में रहा और उस दम्भ में वो वहां पर चलता हुआ रहा था ऐसे में भारत जो है ना अमेरिका के साथ अब वैसी तनातनी नहीं कर सकता था जो शीत युद्ध के समय में था कि भैया चलो अमेरिका नहीं तो सोवियत संघ सही अब कोई विकल्प ही नहीं था मजबूरी हो गई थी तो इसलिए अमेरिका के साथ संबंध भारत के लिए एक विकल्प ना होकर के एक अनिवार्य आवश्यकता थी एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई क्योंकि उसी के माध्यम से अमेरिका के कारण ही भारत को बड़ी मात्रा में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इनसे आर्थिक सहायता जो है वो मिली अमेरिका की विदेश नीति में भी परिवर्तन हुआ वो 2000 सन 2000 के दशक में जाकर के होता है वो क्यों होता है उसको हम 2000 के दशक में देखेंगे अभी बस 1990 के दशक की चीजों को देख लेते हैं कि क्या हमारी विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन तो हुआ हमने अमेरिका से मदद मांगी संबंध अच्छे बनाए अमेरिका ने हमारी मदद करना शुरू किया कर्जा देना शुरू किया कर्जा देने के बदले भारत में एलपीजी आ गया अमेरिका ने बड़ा मोटा निवेश भारत में किया अब उस समय हमें देखा कि हमारे देश के बिल्कुल साइड में आसियान देश है और ये आसियान देश बहुत तेज गति से आप देखोगे तो वो विकसित करते हुए चले जा रहे हैं ये ये मैप मैप ऐसे मत समझ लेना कि आसियान आसियान ऊपर है ये मैप में बस इंडिया को इधर अलग अलग से दिखा दिया, इनको अलग दिखा दिया दिया इनको इसको आप मान करके चलिए कि ऐसे ही अलग अलग तरीके से दिखाई संबंध बनाने का दिखाया गया कि इन दोनों ने संबंध किस तरीके से बना रहे ये आसियान देश है भारत के साथ इस तरफ लगते हैं नीचे की तरफ आते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ यहां पर म्यांमार लगता है और म्यांमार से बिल्कुल नीचे की तरफ आ

और इसके अंतर्गत हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान इनकी तरफ भी इशारा किया यह ध्यान रखना कोरिया दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के साथ भी संबंध बनाने पर जोर दिया तो इस दशक में पूर्व की ओर देखो नीति के तहत आसियान के साथ संबंध बढ़ाने पर जोर तो दिया गया लेकिन उतने मजबूत संबंध नहीं बने लेकिन जापान के साथ और कोरिया के साथ भारत के संबंध बहुत बेहद मजबूत हुए और जापान से बहुत मोटा निवेश भारत में आया हीरो होंडा कंपनी इस तरीके की कंपनियां भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत में आया भारत का आर्थिक विकास होने लगा दक्षिण कोरिया की बहुत सारी कंपनियां वो भारत में आने लगी आपने कई सारी कंपनियों का नाम सुना होगा ना सुनोग इस तरीके की कंपनियां जो आज भी चलती हैं वो इसी पूर्व की ओर देखो नीति का ही परिणाम था जो इतना निवेश भारत में आया तकनीक के मामले में भारत में ये चीजें पहुंची तो ये भारत की विदेश नीति में सक्रिय यथार्थवाद था कि अब हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं है ठीक है विदेश नीति ये आसियान के देश हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी यथार्थवादिता थी लेकिन उस यथार्थवादिता के साथ साथ उसमें समस्या ये थी कि हम एक ही देश पर ज्यादा निर्भर थे सोवियत संघ पर लेकिन अब हम क्या हो गए कि अब हम किसी एक देश पर निर्भर ना होकर के हर चीज में हर मामले में अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाने लगे तो हमारी विदेश नीति का संचालन अलग अलग देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए हुआ खास करके पूर्व की ओर देखो नीति के तहत आसियान देश और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान और दक्षिण कोरिया इनके साथ साथ ठीक है इसके साथ साथ भारत ने एक और चीजें सीखी 1990 के दशक से पहले भारत जो है ना किसी भी ऐसे देश जहां पर लोकतंत्र नहीं था सैन्य तानाशाही होती थी तख्ता पलट होता रहता था उनके खिलाफ उनके प्रति एक बहुत ही कठोर रुख अपनाया हुआ था हम बोलते थे कि लोकतांत्रिक देश होगा तो शासन उसके साथ संबंध अच्छे बनाएंगे बाकियों के साथ इतने बेहतर संबंध नहीं होते थे लेकिन अब हमें समझ में आने लगा कि दूसरे देश में क्या हो रहा है किस तरीके का सत्ता परिवर्तन हो रहा है उससे हमें नहीं लेना देना रखना है हमें तो यथार्थवादी विदेश नीति पर चलना है हमें तो वास्तविकता में जीना है जिसके आधार पर हम अपने देश का हित कर पाए अपने देश को और ज्यादा विकसित कर पाए किसी दूसरे देश में किस तरीके की सत्ता है इसको हमें किनारे करना पड़ेगा इसीलिए म्यांमार के अंदर जब सैन्य शासन स्थापित हुआ तो हमने उससे भी दोस्ती की उससे भी मित्रतापूर्ण संबंध बनाए अपनी रिजिड अपनी जो एक रूढ़ीवादी विदेश नीति थी उसको छोड़ करके क्योंकि उससे हमें विकास क्या आवश्यकता थी हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए म्यांमार बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आसियान के देशों के साथ म्यांमार को आसियान का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो इस पूर्व की ओर देखो नीति के तहत ये एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की विदेश नीति में देखने को मिलता है आज के समय में भी आप देख रहे हो ना तालिबान आने के बावजूद भी अफगानिस्तान में पूर्ण रूप से तालिबान ने जब सत्ता का हस्तांतरण कर लिया है उसके बाव, उसके बावजूद भी भारत तालिबान के साथ अब बातचीत करने के लिए तैयार है संबंध बनाने के लिए तैयार है वो भारत की यथार्थवादी नीति के तहत है अगर इंदिरा गांधी का काल होता उस समय का काल होता तो भारत इस तरीके के कदम नहीं उठाता क्योंकि उस समय वो एक रूढ़ीवादी रिजिड तरीके की विदेश नीति के ऊपर टिका हुआ था कि हाँ भाई हमारे सिद्धांत है कुछ हम इसके साथ नहीं मित्रता करेंगे तो नहीं ही करेंगे ठीक है अब हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार काम करने लगे चीन के साथ भी संबंध बनाने पर ध्यान दिया साथ ही जो सार्क नाम का जो संगठन बना था 1980 के दशक में अब सार्क का मतलब यू मत समझ लेना कि कोई सार्क मछली है और वो हॉलीवुड वाली मछली तो बिल्कुल मत समझ लेना जो हॉलीवुड में सार्क मछलियां दिखाई जाती है लंबे लंबे दांतों के साथ आती है उसमें दिमाग भी होता है, है ना इंसानों को पकड़ पकड़ करके खा जाती है टुकड़े टुकड़े कर देती है उसकी बात नहीं करे एक सार्क एक संगठन था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको बोला जाता है इसके बारे में भी मैं क्लास लूंगा जब मैं सारे अलग अलग संगठनों को पढ़ाऊंगा अभी बस इतना समझ लीजिए कि दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं जितने भी जो देश हैं आठ देश उनका संगठन है मूल रूप से सात देश होते थे बाद में अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ा गया ठीक है उन देशों का संगठन है उन देशों के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया अपने पड़ोस को उसको मजबूत करने पर जोर दिया गया तो ये व्यक्ति है इनको देख लीजिए इन व्यक्ति का नाम है आई के गुजराल इंद्र कुमार गुजराल और आप बहुत बार ये सिद्धांत पढ़ते होंगे इस चीज के बारे में आप नाम सुनते होंगे कि गुजराल सिद्धांत गुजराल तो आज के समय में जो विदेश नीति अपनाई जा रही है ना नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा वो इसी गुजराल सिद्धांत का संशोधित स्वरूप है अब गुजराल सिद्धांत को समझ लेते हैं अब 1996 में गुजराल आई के गुजराल जो है ना वो विदेश मंत्री थे इससे पहले आपने कभी भी किसी विदेश मंत्री का जिक्र नहीं सुना भारत की राजनीति में उसका रीजन ये था कि इससे पहले गठबंधन की सरकारें नहीं थी पूर्ण बहुमत वाली सरकारें थी इसलिए विदेश नीति में हमने चर्चाएं की तो किन की, की? हमने चर्चा की जवाहरलाल नेहरू की इंदिरा गांधी की राजीव गांधी की अब 1990 के दशक में हम किसी प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं कर रहे हैं क्यों क्योंकि प्रधानमंत्री की भूमिका कम हो गई थी कटौती हो गई थी विदेश नीति के संचालन में क्यों क्योंकि की आ उस की में विदेश मंत्री की भूमिका के घटक दल थे उनकी भूमिका थोड़ी मजबूत हो जाती है इसीलिए प्रधानमंत्री की भूमिका कम होती चलेगी तो ये जो गुजराल सिद्धांत है वो गुजरात आई के गुजराल उस समय भारत में विदेश मंत्री थे हालांकि इंद्र कुमार गुजराल जो है उन्नीस से लेकर के उन्नीस में, में भारत के पीएम भी बने प्रधानमंत्री भी बने लेकिन एच डी देवेगौड़ा के कार्यकाल में ये विदेश मंत्री थे कई सारे प्रधानमंत्री बदले बदले उन्नीस के दशक में तो ये गुजराल सिद्धांत अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं दिया उस समय दिया था जब विदेश मंत्री थे देवगोड़ा के समय में अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में पारस्परिकता की मान्यता को परिवर्तित किया इससे पहले क्या होता था चीज को पारस्परिकता में हम हम बोलते थे कि भैया तुम्हारा सहयोग करें बदले में तुम भी हमारी मदद करो है ना हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं तुम भी हमें दो मदद तभी होगी जब आदान प्रदान होगा मदद का हम तुम्हारी मदद करें तुम हमारी मदद करो इस तरीके से संबंध चलेगा ये इस तरीके से चलती थी और उस कारण भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आशंकित रहते थे संशय में रहते थे डरे हुए रहते थे भारत से कि कहीं भारत उनके ऊपर कब्जा ना कर ले क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़ा हाथी के तरह बड़ी जनसंख्या हो भौगोलिक क्षेत्रफल हो हर मामले में बाकी सारे देशों के साथ देखोगे तो बहुत बड़ा होता है तो ऐसे में इतने भीम का आकार के कारण पड़ोसी देशों का डरना एक स्वाभाविक सी बात थी और उस डर को पाकिस्तान और चीन के प्रचार ने और भी बढ़ा दिया था अब पाकिस्तान और चीन के उस प्रचार से के कारण पड़ोसी देश भारत के साथ आशंकित या थोड़े से तनावपूर्ण रिश्तों में उलझने लगे उस क्षेत्र में चीन का प्रभाव ना बढ़ जाए और हमारे पड़ोसी देश हमारे विरोधी ना बन जाए इसलिए जरूरी था कि हम इस पारस्परिकता की जो मान्यता है इसको त्याग दें कि हम कुछ देंगे बदले में तब तुम दो अब ये सच्चे प्रेम पर आ गए सच्चे प्रेम पर आते हुए इन्होंने कहा कि हम पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देंगे और इन्होंने पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने की रणनीति अपनाई और छोटे पड़ोसी देशों के साथ इस तरीके से बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाएगा कि भैया तुम हमने तुम्हें एक रुपया दिया तो तुम भी हमें एक रुपये की कोई चीज दो ना सच्चा प्यार आ गया ये ये वास्तव में रियलिटी में जो त्याग होता है ना सच्चे प्यार में वो वाला त्याग एक जैसे माता त्याग करती है अपने बच्चे के लिए दिल से दिल की गहराइयों से जो प्यार करते हैं तो वो वाला प्यार अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो भाई आप लोग पड़ोसी देश आप चिंता मत करो हम अब आपके लिए एकदम बिल्कुल खुले दिल से मदद करेंगे आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है आप जिस तरीके से हमारे साथ मदद चाहोगे हम मदद करेंगे जैसा व्यापार चाहोगे वैसा व्यापार करेंगे टेंशन ही मत लो तो पड़ोसी प्रथम की जो नीति है ना उसको इन्होंने फॉलो किया सच्चा प्यार वास्तविकता में वैसा ऐसा ही होता है जिसमें एक्सपेक्टेशन ना की जाए बस प्यार करते चले जाओ मीरा और कृष्ण की तरह होता है ना बस प्यार करते चले जाओ करते चले हालांकि <laughs> आज के समय में इस तरीके का प्यार नहीं होता है आज के समय में तो एक बार बात भी हो गई ना तो बात होती नहीं उस बात होने के अगले दिन से हक जमाना शुरू कर देते हैं हाँ कल तो मेरे साथ बात करी थी आज मेरे से बिना पूछे उस लड़के से कैसे बोल लिया तुमने है? कल तो मेरे साथ बात कर रहा था कल तो मेरे को प्यार की डींगे लड़ा रहा था अब तू दूसरी लड़की को देख कैसे लिया तूने मेरे से बिना पूछे तूने नजर ऐसे घुमा करके लड़की को क्यों देखा है? प्यार किया तो बदले में तभी मिलेगा मैं तुमसे तो तभी प्यार करूंगा या करूंगी जब तुम मेरे से उतना ही करोगे इस तरीके का होता है ना तो भारत उस प्रवृत्ति से निकल गया भारत बोला कि हम एक तरफा करेंगे एक तरफा प्यार की ताकत है ना एक अलग ताकत होती है मदद करते चले जाएंगे तो भारत ने इस तरीके की बातें करी चीन और पाकिस्तान के साथ अलगाव की नीति को फॉलो किया क्योंकि हमें अब तक समझ आ चुका था कि चीन और पाकिस्तान के साथ जितने भी हम अच्छे संबंध बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो अभी तक इतने ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं इसलिए हमारे बाकी पड़ोसियों के साथ हमें चीन और पाकिस्तान से हटकर के नीति अपनानी पड़ेगी तो ये जो खुले दिल की नीतियां थी ना ये हमने पाकिस्तान और चीन को हटा करके बाकी देशों के लिए की इवन हमने एक और इसके तहत हमने बहुत सारे देशों को एमएफएन का दर्जा दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन इसको बोला जाता है सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी कि इस जिसको भी ये दर्जा दे दिया जाता है तो उनके साथ कई सारे व्यापार के मामलों में जो बाधाएं होती हैं सीमाएं होती हैं उनको तोड़ दिया जाता है और मुक्त व्यापार एक तरीके से किया जाता है टैक्सेस वगैरह सबको कम कर लिया जाता है इवन पाकिस्तान को भी हमने एम का दर्जा दे रखा था सोचिए हमारा दिल कितना बड़ा था पाकिस्तान को भी इस उम्मीद से कि वो ये भारत का कि ये सही इंटेंशन समझेंगे और अच्छे देश अच्छे दोस्ती जो है वो बनेगी तो ये थी गुजराल नीति गुजराल सिद्धांत और इस गुजराल सिद्धांत के कुछ लाभ थे उन लाभों को एक तरफा छूट देने के क्या लाभ देखिए ये दक्षिण एशिया का पूरा समप कर देता है भारत एक हाथी के तौर पर और बाकी के सारे पड़ोसी देश जो हैं वो आसपास छोटे छोटे तो उनको लगता है कि भारत कहीं इस तरीके से भीमकाय आकार के कारण इनके ऊपर कब्जा ना कर ले इस डर का फायदा उठा करके चीन दक्षिण एशिया में गड़बड़ियां करता रहता है बाकी देश भी इसीलिए डरते थे तो भारत ने एक तरफा छूट दे दी एक तरफा छूट देते हुए क्या कहा कि इससे कई सारे लाभ होंगे कई सारे फायदे होंगे एक तो हमारे छोटे पड़ोसी देश है उनका आर्थिक विकास होगा और जब पड़ोस में आर्थिक विकास होगा तो वहां की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी उनकी समस्याएं नहीं होंगी तो भारत को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा अब आप कहोगे सर पड़ोसी देश में समस्या है उसका भारत से क्या लेना देना बहुत लेना देना है भाई मेरे दोस्त बहुत लेना देना है अगर आपके पड़ोस में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं खराबी सिचुएशन है तो उसका असर आपके ऊपर ही आने है। जैसे कि 1971 में बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश बना क्यों क्योंकि पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार किए तो करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से लोग जो कि पूर्वी पाकिस्तान होता था भारत में आ गए भारत में एक झटके में करोड़ों की संख्या में शरणार्थी हो गए उनका संभालना उनको स्थान देना उनको मेंटेन करना बहुत बड़ी जटिल समस्या थी तो भारत की समस्या बन गई ना क्यों बनी क्योंकि हमारे पड़ोस में आतंकी घटनाएं हो रही थी वहां पर मारकाट मची हुई थी वो शांत नहीं था अगर मान लीजिए वहां पर इस तरीके की मारकाट की घटनाएं नहीं होती तो जो करोड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी आए थे भारत में जो आज भी भारत में है उनकी समस्या ही नहीं उत्पन्न होती होती क्या जाहिर सी बातें नहीं होती चीन से आपने देखा कि वो शरणार्थी भाग करके भारत में दो दलाई लामा और कुछ वो तिब्बत से आए थे चीन चीन से से सुना कि चीन से कोई आ गए नहीं आए क्योंकि वो उनके पास अपने पास ही है तो वो वहां पर संभाल लेता है तो पड़ोसी देश में होने वाली घटनाओं का अपने पर असर पड़ता है इस चीज को हम समझ चुके थे अब बहुत गहराई से समझ चुके थे तो इसलिए यथार्थवादी नीति को हमने वास्तविक पूर्ण रूप पूर्णता प्रदान की विकास होगा तो सीमाएं शांत रहेंगी सीमा पर घुसपैठ इधर से उधर आना कम हो जाएगा झड़पे कम करना करेंगे चीन का प्रभाव कम होगा अब चीन का प्रभाव बहुत बड़े एक फैक्टर है भारत में चीन क्या कर रहा था वो बड़ा ही चलाक है उसने क्या किया कि एक तो भारत को घेरने के लिए क्योंकि भारत ही है ऐसा दक्षिण एशिया में जो चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है चाहे किसी भी मामले में देख लो चाहे हर मामले में तो चीन भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है अपना विकल्प बनते हुए नहीं देखना चाहता है इसलिए वो भारत को कमजोर करने के लिए कई सारे हथखंडे अपनाता है जिसमें भारत को घेरने की नीति सबसे प्रमुख है और भारत को घेरेगा कैसे उसके पड़ोसियों के माध्यम से घेरा जा सकता है और पड़ोसियों को कैसे भारत के खिलाफ करोगे उसके लिए दो चीजें की चाइना ने एक तो चीन ने भारत का डर दिखाया कि देखो भारत कितना बड़ा है हाथी के जैसा है कुचल डालेगा तुम सबको हमला करके कब्जा कर लेगा तुम पर इतू से हो तुम लोग जब भी मन करेगा कुचल लेगा तो अगर अपनी स्वायत्तता बचाए रखनी है भारत से बचे रहना है तो एक काम करो चीन से दोस्ती करो हमसे संबंध बनाओ हमें तुमसे कोई मतलब नहीं हम तो कितना दूर है तुमसे बहुत ऊपर है हम तो तुम पर क्या कर पाएंगे हमला उमला करके हमारे क्षेत्र में मिला भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी तो सीमाएं भी नहीं लगती आपसे ना तो हमारी भौगोलिक सीमा लगती ना हमारी जल की सीमा लगती अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो निचले जितने विदेश भी उनके साथ सिचुएशन यही थी तो उनके माइंड में ये डर पहले से तो था ही अब चीन ने और बढ़ा दिया उसके बाद चीन क्या बोलता कि काम करो तुम इस चीज की चिंता मत करो कि अगर भारत के साथ संबंध आर्थिक संबंध नहीं बढ़ाए तो तुम्हारा विकास कैसे होगा तुम्हें पैसा ही तो चाहिए तुम्हें निवेश ही तो चाहिए मेरे से लो मैं दूंगा मैं चीन हूं मैं चतुर चलाक चीन हूं और मेरी चाल भरी चाले है ना चतुराई भरी चाल भरी चालों में तुम लोग फंसो सारे पड़ोसी देश फंसते चले गए कर्ज के जाल में और आप देखोगे कोई भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है भारत का जहां पर चीन नहीं पहुंचा हुआ भूटान को छोड़ कर केवल भूटान को छोड़ कर पाकिस्तान में आप देखोगे ग्वादर बंदरगाह सीपैक बना रहे हैं ग्वादर बंदरगाह तक वहां पर अड्डा बना रखा है म्यांमार में कोको आइलैंड सैनिक अड्डा बांग्लादेश के चटगा में अपना अड्डा श्रीलंका के हमटा निन्यानवे साल के लिए बंदरगाह ले लिया वहां पर उसका अड्डा मालदीव एक द्वीप ही खरीदने की प्रक्रिया में है मालदीव का एक हिस्सा ही पूरा का पूरा वहां पर भी अड्डा भारत को नीचे से पूर्ण रूप से घेर लिया ऊपर एक साइड से खुद है ही ठीक है तिब्बत लगा हुआ और खुद लगा हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है ही तो चारों तरफ से घेर मारा तो चीन जब ये चाले चल रहा था तो उस समय भारत समझ रहा था कि ये चीजें बड़ी खतरनाक है विकट इनसे दूर इनसे बचना इनको दूर करना बहुत जरूरी है इसलिए गुजराल सिद्धांत के तहत एक तरफा रियायतें देनी जरूरी थी इसीलिए ताकि पड़ोसी देशों पर चीन का प्रभाव कम हो हमारी सीमाएं शांत रहें ठीक है और छोटे पड़ोसी देशों के साथ अगर व्यापार करेंगे कितना भी मुक्त व्यापार कर दो फिर भी भारत को ही फायदा होगा क्योंकि भारत के वस्तुएं सामान जो है वो ज्यादा है वो वहां पर ज्यादा बिकेंगी ये चीजें रहेंगी तो ये चीजें रखी गई इसके साथ साथ एक और चीज गुजराल सिद्धांत के अनुसार कही इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पड़ोसी हैं सभी पड़ोसी देशों के साथ विवादों का समाधान द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण रूप से होगा क्योंकि सीमाओं को लेकर के कई सारे मामले थे कई सारे विवाद डिस्प्यूट छोटे मोटे चल रहे थे पाकिस्तान के साथ तो था ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी था तो कहा कि, कि किसी भी तरीके का विवाद है कोई भी विवाद है सीमा विवाद ही नहीं किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है चाहे श्रीलंका में तमिल का मामला हो चाहे आसपास में किसी भी तरीके के मामले हो घुसपैठ का मामला हो नेपाल से भारत में बांग्लादेश से भारत में शरणार्थियों की समस्या हो जितने भी मामले हैं ना उनको हम अब सैनिक सत्ता या डरा धमका करके नहीं करेंगे सेना का डर दिखा करके या अपनी शक्ति का डर दिखा करके नहीं सुलझाएंगे अब हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय रूप से करेंगे सार्क में भी नहीं उठाएंगे एक साथ सामूहिक रूप से किसी मुद्दे को नहीं लेकर के जाएंगे दो लोगों के बीच समस्या दो लोग आम मैच्योर एकदम बिल्कुल परिपक्व देशों की तरह आमने सामने बैठेंगे चर्चा करेंगे बातचीत करेंगे समझौता करेंगे और फिर सुलझाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे अपनी भूमिका का प्रयोग दूसरे के विरुद्ध नहीं करेगा ठीक है एक दूसरे की प्रादेशिक एकता और अखंडता का सम्मान किया जाएगा किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो बेसिकली जो पंचशील के सिद्धांत थे उनको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप देते हुए हमने दक्षिण एशिया में गुजराल सिद्धांत के तहत लागू कर दिया पंचशील के सिद्धांत तब से लेकर के आज तक चल रहे हैं गुजराल सिद्धांतों में भी पंचशील के सिद्धांतों की ही झलक देखी जा सकती है वही झलक यहां पर हुई यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और यही नहीं और यही गुजराल सिद्धांतों को वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा पड़ोसी प्रथम की जो नीति है ना नेबर फर्स्ट पॉलिसी उसके रूप में लागू किया गया है तो चल रहा है वही पंसिल इससे आपका एक सवाल बन जाएगा कि भारत की विदेश नीति के में आदर्शात्मक से व्यवहारात्मक या व्यवहार या आदर्शात्मक से यथार्थवादी परिवर्तन या रूपांतरण में पंचशील एक ऐसा तत्व है या पंचशील के सिद्धांत एक ऐसा कारक है जो अभी भी अपनी भूमिका या जो अभी भी अपना जो अभी भी विदेश नीति के निर्धारण में प्राथमिक या सशक्त भूमिका निभाते हैं कथन की उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए या आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए इस तरीके से पूछ लिया जाएगा तो आपको गुजराल सिद्धांत और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की जो पड़ोसी प्रथम सिद्धांत है इनको आप देखना है तो उसमें पंचशील के सिद्धांतों को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनाया गया है ना कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तुम्हारा क्या आंतरिक मामला क्योंकि इन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का परिणाम भारत भारत ने ने भुगता था बांग्लादेश के मामले आंतरिक मामले में जो पूर्वी पाकिस्तान के मामले में इंटरफेयर किया करोड़ों की संख्या में भारत में शरणार्थी आज तक शामिल है भारत ने श्रीलंका में तमिल विवाद के मामले में पीस कीपिंग हो शांति सेना भेजी हजारों की संख्या में शांति सेना के ही लोग मारे गए और राजीव गांधी की हत्या भी कर दी गई तमिलियन श्रीलंका के तमिलियन भारत सरकार के विरोधी हो गए तो भारत को यह चीजें समझ में आने लग गई थी कि हमें ना दूसरों के टांग में दूसरे के मामले में अड़ंगे नहीं डालनी है क्योंकि उससे हम खुद भी झुलसेंगे उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो यही नीति गुजराल सिद्धांत के तहत रियल वास्तविक यथार्थवाद लेकर गई विदेश नीति में और उसी को ही अब नरेंद्र मोदी के द्वारा भी अपनाया जाता है छोटे पड़ोसी देशों को अब बड़े भाई की तरह उस तरीके से ट्रीट किया जाना यहां से शुरू किया गया यह विदेश नीति में रहा गुजराल सिद्धांत तो यह था गुजराल सिद्धांत अब उसके बाद भारत की राजनीति में गठबंधन का ही दौर चल रहा था लेकिन कुछ परिवर्तन और होते हैं अब अटल बिहारी वाजपेयी वो आते हैं सत्ता में आते हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं उन्नीस से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं अलग अलग कार्यकाल में शुरुआत में उनकी सरकार जो है वो गिर भी जाती है है ठीक इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप सब लोग से एक जरा जोश दिखाए हाउ इज द जोश कैसा है भाई जोश जिंदा है कि नहीं एक हाई जोश होना चाहिए आप सबका का आप सबका हाई सर गजब का जोश आना चाहिए अब तो आप बहुत इंटरेस्टिंग से उस पर आने जा रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड इसी तरीके से हाई जोश बनाते रहें, लाइक शेयर करते चले जाने लाइक like शेयर नहीं रुकना चाहिए और जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं प्यारे दोस्त हैं अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यार ये रेफरल कोड भी यूज कीजिए इस रेफरल कोड का नाम है एल वाई एल आई ई एलवाई लाइव इस कोड को लगाइए इसमें डिस्काउंट होगा और हमारी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी एग्जाम पास होने तक आपको गाइड करूंगा वन ऑन वन गाइड करूंगा पर्सनली मिलके भी फोन कॉल पर भी वीडियो कॉल पर भी जिस तरीके से संभव हो पाएगा आपको पूरी तरीके से मैं हेल्प करूंगा किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपको लिए नहीं आने देंगे ठीक है कोड का नाम याद रखना एल वाई लाइव इसको अप्लाई करना है एक बार जरा मेरे सारे दोस्त कोड लिख करके बताएंगे कोड लिख करके बताइए क्या कोड है एलवाई लाइव इसको अप्लाई करना और ये ध्यान रखना टीचर की गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है अगर टीचर की गाइडेंस आपको मिल गई तो जिंदगी बदल जाती है क्योंकि आपकी लाइफ में इस यूपीएससी की जर्नी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि आपको क्या पढ़ना है कब पढ़ना है कैसे पढ़ना है किससे पढ़ना है इसके साथ साथ जब मोटिवेशन डाउन हो तब क्या करें तब आपको कौन उठाकर करके ले चले जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही फेलियर मिल रहा हो तब आपको सही दिशा कौन दिखाए तो ऐसे में एक साथी के तौर पर एक मित्र के तौर पर एक टीचर आपको हेल्प कर सकता है अपनी गलतियों से आपकी गलतियां होना रोक सकता है जो अपनी गलतियों के अनुभव से और बाकी लाखों बच्चों को पढ़ाने का जो अनुभव है हमें उससे हम आपको गलतियां करने से रोक सकते हैं आपकी गलतियों को पहले ही कम कर सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े आपका एग्जाम जो है अच्छे से निकले यह संभव तभी होगा जब आप पर्सनली जुड़ेंगे और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली जुड़ता हूं वन ऑन वन जुड़ता हूं कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला फिर से बोलता हूं अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए आपको मेरी प्रॉपर गाइडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी आपको वहां पर मेरी टीम का नंबर भी मिलेगा उस नंबर से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए ले सकते हैं आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं आपको फ्री में सारे यूपीएससी का सिलेबस नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा कोई चार्ज नहीं सारा सिलेबस सब एनसीआर सारी बुक्स जो भी बुक्स आई जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी बुक भी लक्ष्मीकांत की बुक भी सब आपको भेज देंगे फ्री में कोई चार्ज नहीं है ये ध्यान रखना है ठीक है वो हेल्प मैं आपके लिए कर सकता हूं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला फिर से बोलता हूं अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अन एकेडमी ललित यादव की पाठशाला और सोशल मीडिया पर भी फॉलो करो यारो मेरे को इंस्टा वगैरह पर आओ ना ललित यादव की पाठशाला को थोड़ा देखो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा सोशल वर्क भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सोसाइटी के लिए भी हम थोड़ा मोड़ा काम कर लेते हैं आपको वहां से मोटिवेशन मिलेगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़कर के काम करना है अपनी परेशानियां भूल जाएंगे आप मोटिवेशन की डोज आपको बहुत अच्छी से मिलेगी वहां पर और बाकी सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी चाहिए एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए तो बिंदास कॉन्टेक्ट करना मेरे से बात करना है गाइडेंस चाहिए तो मेरी टीम को कॉल करके बोलना कि सर से बात करनी है गाइडेंस के लिए या एडमिशन के रिगार्डिंग तो मेरी टीम अपने आप दो दिन का टाइम जरूर देना जिस दिन कॉल करोगे उससे आगे दो दिन का टाइम देना दो दिन के अंदर अंदर खुद कॉल बैक आएगी आपके पास और उस कॉल बैक में आपको मेरी आवाज सुनाई देगी नमस्कार क्या हालचाल है भाई इस तरीके से मेरे साथ डायरेक्ट आपकी बातचीत हो जाएगी ठीक है बिंदास आपको पूरी हेल्प करेंगे लेकिन यह ध्यान रखना है अगर कभी भी भविष्य में का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान है तो कोड में यही लगाना है एल वाई लाइव ठीक है इस कोड को मत बोलना कोड का नाम है एल वाई लाइव एल वाई एल आई वी और बाकी मैं आपको मेरा परिचय भी दे देता हूं अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो ये देखिए छोटा सा परिचय है इधर ये मैं आपको दिखा देता हूं ये छोटी सी कुछ है अपनी जानकारियां और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहां पर दिख नहीं रही होंगी लेकिन वो हमने किए हुए हैं तो फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए इसको ज्वाइन कर लेना है और बाकी आपको रेफरल कोड अगर जानना के के तो रेफरल कोड को याद रख लीजिएगा एल वाई एल आई -e. ये कोड है ठीक है एल वाई एल आई इसको अप्लाई करना जितने भी मेरे दोस्त हैं इसको अप्लाई करना और आपको अगर फीस ज्यादा लगती है तो आपको मैं ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन दिला दूंगा ऐसा नहीं है कि आपको सारी फीस एक ही बार देनी है महीना महीना करके भी दे देंगे और आपकी पूरी फीस मैं भरवा करके आपके एडमिशन कर दूंगा आपको पैसा महीना महीना करके लौटाना है कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं फ्री एक तरीके से पहले ही महीने से आपकी जिस दिन होगा उसी से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे बहुत कम ई एम आपकी बनेगी लेकिन उसके लिए टीम से कॉन्टेक्ट कर लेना मेरी टीम आपको हेल्प करेगी एडमिशन के बारे में सारी जानकारी दे देगी फिर मेरे से तो मेरे से से भी भी बात बात करनी होगी तो बोलना करा देंगे लेकिन कोड याद रखेगा पास अलग -अलग से आता जब भी कॉल आए एडमिशन की बात हो तो उनको स्ट्रिक्टली बोलना है कि भैया यही लेना है एलवाई लाइव कोड से ही लेना है क्योंकि देखो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी और यकीन मानिए पर्सनल गाइडेंस से बड़ी कोई चीज नहीं है आप लाखों रुपए भी फूक दोगे ना कुछ नहीं भीड़ पड़ती है लाखों की भीड़ पड़ती है अलग अलग जगहों पर वो बस पढ़े जा रही है देखे जा रही है उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है यूट्यूब के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है पर्सनली होती है क्यों क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना एक अलग बैकग्राउंड होता है हर किसी की मानसिक क्षमताएं एक जैसी नहीं है अलग अलग है हर किसी की शारीरिक क्षमताएं एक जैसी नहीं है अलग अलग है फिजिकल और मेंटल एबिलिटी तो सबके लिए एक जैसी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी सभी लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक पृष्ठभूमि एजुकेशन का बैकग्राउंड सब अलग अलग है तो हर किसी के बारे में अच्छे से जान करके और फिर उसके लिए उसकी अलग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है होती है जिसमें टीचर हेल्प कर सकते हैं और साथ ही उनके जितने भी बच्चे हैं उनके रेगुलर उनकी जो कमियां हैं उनको पहचान करके दूर करना आपकी खूबियों को और इंप्रूव करना वो एक टीचर कर सकता है वो मैं करता हूं और मैं करता रहूंगा आगे भी लेकिन जब भी आप उसके लिए आते हैं तो कोड याद रखिएगा एलवाई लाइव लगा करके ही ज्वाइन करना है इससे बड़ी चीज कुछ नहीं मिलेगी आप कामयाब हो जाओगे कोड का नाम याद रखियेगा एलवाई एल आई वी जब भी लें एलवाई लाइव से लें ठीक है जी चलिए तो आज की क्लास को अभी कंटिन्यू करें या अभी इसको कंटिन्यू करें क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि ऑलमोस्ट लगभग ढाई घंटा और लगेगा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल आज तक की चीजों को समझने के लिए तो आप कहोगे तो ढाई घंटा हम कंटिन्यू करें या इसको हम सेकंड पार्ट में ले आए एक और पार्ट इसका बना दू मॉर्निंग में बताइए क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग तीन घंटे तो होने वाले हैं इसको तो आप लोग पक ना जाओ कई बार मेरे को लगता है कि आप लोगों का दिमाग जो है पक करना हो जाए है ना केवल चार पांच लोग चाह रहे कि कंटिन्यू चार पांच के अलावा बाकी लोग कंटिन्यू में नहीं है लगातार ढाई तीन घंटे का रहेगा तो लगातार ढाई तीन घंटा एक साथ इतना चलना मेरे को लगता है ठीक नहीं रहेगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं एक और खुशखबरी देता हूं आप सभी जितने भी हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक देखी आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक मैं आपको दिखाता हूं कितनी मोटी किताब है ठीक है इस किताब को मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया था आपको ढाई सौ घंटे में एक एक लाइन कर करके मैंने पूरी बुक कंप्लीट कराई है बहुत डिटेल से इस पूरी बुक की एक समरी का वीडियो 48 घंटे का बना है समरी भी 48 घंटे की बनी तो उसमें समरी में ऐसे मत मत समझना कि ही कर केवल काम काम की चीजें जो डिटेल की चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लायक चीजें हैं उन चीजों को 48 घंटे में एक ही वीडियो बनाया है मैंने फोर्टी एट आवर का वो आपके लिए आने वाला है जल्दी ही एक हफ्ते में आ जाएगा उसको जरूर देखना आपको ये किताब फिर जिंदगी में कभी नहीं पढ़ने पड़ेगी और कभी भी ये किताब आपको तंग नहीं करेगी आप इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे किसी भी एग्जाम में वो सारे के सारे सवाल आप हल कर पाएंगे ये ठीक है ये चीज ध्यान रखना तो वो वीडियो जल्दी ही 48 एट आवर का मैंने बना दिया है वो वीडियो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप सबके साथ मैं पहुंचा दूंगा इसी चैनल पर इसी यूट्यूब चैनल पर प्रीमियर होगा लाइव देखना ये ध्यान रखना लाइव देखना नो स्टॉप मैं मैं चाहता हूं उस दिन मैं भी भी आपके साथ जुड़ूंगा आप भी जुड़े रहना और कम से कम 24 घंटे तक मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो आनी चाहिए लाइव आनी चाहिए वो देखना सारे लोग बने रहना है और हम देखेंगे एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे 48 घंटे की क्लास का ठीक है चलिए तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं अगला सेशन हम कुछ दिनों के बाद कल हाँ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए रात में नौ बजे आज होगी क्योंकि अट्ठाईस तारीख होगी रात में नौ बजे आपके लिए केशवानंद भारती और संविधान के मूल ढांचे की क्लास आएगी फ्री हैंड क्लास रहेगी पीपीटी का यूज नहीं किया जाएगा आपको चीजों के बारे में समझाते हुए फैक्ट्स के बारे में समझाते हुए एक कहानी के तौर पर बहुत डिटेल से समझा दूंगा मूल ढांचे का मामला और केशवानंद भारती मौलिक अधिकार बनाम नीति तत्व तो ये सारा का सारा विवाद न्यायपालिका बनाम विधायिका कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका ये सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे कुछ भी नहीं भूल पाओगे सब चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी रात में नौ बजे क्लास होगी शेड्यूल ऑलरेडी हो रखी है अपकमिंग वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा उसको जरूर देखना नौ बजे में शुरू कर दूंगा एग्जैक्टली उसको ठीक है इसका सेकेंड पार्ट हम मॉर्निंग में लाएंगे अब उनतीस और तीस तारीख को दो दिन ट्वेंटी और थर्टी दो दिन मॉर्निंग में आईआर की ये जो दो दो क्लासेस हैं वो होंगी उनको आप जरूर देखना टेलीग्राम चैनल पर बने रहना है टेलीग्राम चैनल पर ही लिंक शेयर करूंगा तो टेलीग्राम चैनल से ही आपको पता चलेगा ठीक है जी बाकी और सारे सब्जेक्ट भी मैं पढ़ा दूंगा यार हिस्ट्री के लिए कई लोग कुछ दोस्त बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी मैं अंतरराष्ट्रीय संबंध समाप्त कर देता हूं और जो एनसीआरटी की क्लासेस अपनी चल रही है ना ट्वेल्थ क्लास की उस एनसीआर को भी थोड़ा सा समय देना जरूरी है उसको भी समाप्त कर देते हैं फिर उसके बाद आपके लिए सारी चीजें मैं करता रहूंगा आप चिंता मत करिएगा बाकी सारी चीजें भी मैं आपको करवा दूंगा आप बस घबराइए मत बिंदास बने रहिए मुख टेंशन फ्री होकर के बने रहिए सारी चीजें करा दी जाएंगी लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं को कराएंगे और बाइलिंगल क्लासेस भी आपके लिए अगले महीने से आने शुरू हो जाएंगे ठीक है जी चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास मेरे जितने भी मित्र हैं दोस्त हैं आपको मजा आया होगा और मैं शुक्र गुजार हूं आप सबका कि इतनी रात में भी एक बजने वाला है फिर भी लगभग डेढ़ सौ के करीब लोग मेरे साथ जुड़े हो रहे गजब का जज्बा यार आप सबके लिए एक बार तालियां बनती हैं ठीक है थीके। आप सभी के लिए इस तरीके का जोश जज्बा होना हमेशा जरूरी है बने रखिए चलिए तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं बेस्ट विशेष मेहनत करते चले जाइए आगे बढ़ते चले जाइए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करें सकारात्मक लोगों के साथ रहिए कोई प्रॉब्लम हो बुक्स चाहिए हेल्प चाहिए ललित यादव की पाठशाला को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल वहां पर सब कुछ मिलेगा सारी चीजें फ्री हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए ये कोड याद रखिएगा एल वाई एल आई वी जब भी लें तो एल वाई लाइव से लेना प्रॉपर हेल्प मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी एग्जाम पास होने तक गाइड करूंगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास चलिए तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको जय हिंद जय भारत Let's crack it.